हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विद्युत विश्वास एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, हर वीक मैंने आप लोगों के लिए एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट लेकर आता हूँ और कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा उसका अपडेट। लेकिन इस वीक कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसके बदले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने शेयर कर रहा हूँ। जैसे आज मेरे को देखो, अभी आप लोग ये तो नोटिस किया ही हुआ होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका क्या है, पोर्टफोलियो उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्चुअली पोर्टफोलियो परफॉर्म करने के लिए स्मॉल कैप मिड कैप को चलना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ना भी करो, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में तो 50 स्टॉक होता है और वो एक्चुअली बॉर्डर मार्केट को उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम लोगों को स्मॉल कैप इंडेक्स जब चलता है, हमारा पोर्टफोलियो वो चलता है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स। तो अभी इस सिचुएशन में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कैसे पोर्टफोलियो को हम लोगों को हैंडल करना चाहिए, कैसे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हम लोग बिल्ड करते हैं और इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है और कौन सा स्टॉक मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मेरा जो क्लाइंट थे, क्लाइंट से उन लोगों के लिए मैंने एक आज एक क्लास रखा था। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली कैसे हम लोग इस सिचुएशन के यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर में निफ्टी मैंने कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन ले रहा हूँ, कैसे हम लोग प्रिपेयर हो रहा हो जो निफ्टी एक करेक्शन के बाद कौन सा पॉइंट से करेक्शन हो सकता है, वो करेक्शन के बाद कहाँ तक जाएगा और उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कैसे होना चाहिए और प्रिपरेशन कैसे रखना है, उसके लिए मैंने आज एक क्लास लिया था और एक क्लास बहुत ही अच्छा था। ये आप लोग देखोगे तो मार्केट के लिए नेक्स्ट शायद 4-5 साल के लिए हम लोग कैसे प्लान कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, अभी चालू करते हैं। थोड़ा प्लान कर लेते हैं फ्यूचर में कैसे आगे जाना है। सही बात है। अब जिनको क्या है सर, देखो सीखने की लालसा होती है ना, वो तो जुड़ जाते हैं और जिनको नहीं होती है वो फिर ऐसे ही है, उनको वो सीरियस नहीं है ना, तो ठीक है। अभी सर जो मैंने इसलिए किया, अभी सही में बोलू तो मेरे को स्मॉल कैप का इंडेक्स उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस टाइम क्या है थोड़ा सा मतलब सेफ खेलना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ एक्चुअली मेरे को एकदम टॉप में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया ऑलरेडी क्या किया जिसमें मेरा 70-80% प्रॉफिट था या तो 100% प्रॉफिट था, वो सबको बुक करके से प्रॉफिट शेयर छोड़ दिया और जो ऑलमोस्ट 0-0 था, जैसे मेरा रैमको इंडस्ट्रीज था और सूर्य अवस्थी था, ये सब 0-0 था, ये सब मैंने थोड़ा बहुत बुक करके रख दिया। 50% जो इन्वेस्ट किया था उससे 50,000 के ऊपर मैंने बुक करके 30% मतलब कैश मैंने हाथ में रखा था और देखा उसका फायदा भी मेरे को मिला ये करेक्शन में। जैसे मैं कुछ दिन से ही बोल रहा था मेरे को उतना अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं कमा तो लूंगा कोई भी स्टॉक से, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट आया जो कैपिटल आया उसको सेव करना मेन चीज होता है, क्योंकि वो रहेगा मार्केट। अभी जैसे स्मॉल कैप का इंडेक्स में देखो ऊपर जाएगा तो फिर से ब्रेकआउट देगा, जैसे मैं खोल लेता हूँ स्मॉल कैप का इंडेक्स पहले, तो मैं ऐसा नहीं सबको बोल रहा हूँ जो सब निकल जाओ, लेकिन थोड़ा सा सब, क्योंकि बुल मार्केट है कभी भी ऊपर आएगा ऐसा तो, और बुल मार्केट इतना आसानी से खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन उसके पहले मेरे को लगता है एक बार मतलब थोड़ा बहुत देखो 20% भी नीचे जाए तो मतलब वो भी बहुत होता है पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो मेरे को पता है नीचे कोई नहीं एंटर किया, सब वही 15-20% प्रॉफिट में ही होगा सब, तो वो प्रॉफिट सब जाके मतलब आपका कैपिटल से भी जा सकते हैं। मैं 30% कैश इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे जाए तो नीचे हम लोगों को अच्छा स्टॉक खरीदने मिले या तो अच्छा स्टॉक एवरेज करने मिले,
मैं जो रिसेंटली एंट्री किया उसमें 50% इसलिए कर दिया, वो नीचे आएगा तो मैं थोड़ा नीचे उसको खरीद के एवरेज कर सकूं। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं नहीं करूंगा इसमें। मैं अगर मंथली चार्ट देखूंगा ना, मंथली चार्ट देखो, इस जगह पे एक डोजी दिया, तो डोजी देने के बाद एकदम सेम लेंथ इधर तक एक मूव दिया। और आप लोगों को पता है जब एक डोजी देके एक ग्रीन कैंडल दिया था तब बोला था ये जो सेम लेंथ फिर से एक मूवमेंट मिलेगा। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये सेम लेंथ का जब 3 मूव हो जाता है तब एक बड़ा करेक्शन देता ही है, बड़ा करेक्शन या तो बड़ा रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत देता है, क्योंकि 3 बार सेम लेंथ का हो गया मतलब ये बहुत बड़ा एक मूव दे दिया है। और 3 के पीछे लॉजिक भी ये है, जो हम लोग मैं जनरली जो यूज करता हूँ इलियट वेव, तो इलियट वेव का क्या होता है, वो 3 वेव में होता है। 3 वेव जब कंप्लीट होता है, एक बड़ा वेव कंप्लीट होता है उसके बाद एक बड़ा रिट्रेसमेंट आता है। तो ऑब्वियसली जो बड़ा रिट्रेसमेंट आता है वो क्या होता है, उसके बाद जो मूव होगा ना तब ये पूरा मूव बहुत छोटा लगेगा उसके सामने। तो हम लोग कैपिटल सेव कर पाएंगे तो वो बड़ा मूव के लिए हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं। और दूसरा, मैं कोई भी एंगल से, मैंने बहुत सारे एंगल से इसको मतलब इलियट वेव का देखने की कोशिश किया, इसमें मेरे को 2 एंगल आ रहा है। पहले बात है, पहले वाला जो अच्छा वाला एंगल है वो बता देता हूँ। तो पहले तो इधर को मैंने 1 पकड़ा, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, इधर 4 होगा, ये 5 होगा, ये ठीक है। तो उसके बाद एक जो एक रिट्रेसमेंट दिया जो 5 के बाद मतलब जो एक बड़ा रिट्रेसमेंट आता है, लेकिन ये देख के मेरे को लगता नहीं है जे अगर इस ये 5 होगा तो एक बड़ा 1 इस जगह पे कंप्लीट हुआ। तो ये बड़ा 1 इसलिए मेरे को लगता नहीं क्योंकि ये रिट्रेसमेंट उतना बड़ा नहीं हुआ। 5 वेव कंप्लीट होने के बाद रिट्रेसमेंट कभी छोटा नहीं हो सकता है। तो जो भी है, इसको अगर 1 पकड़ ले बड़ा, तो ये बड़ा 2 इधर खत्म हुआ तो एक 3 का चालू हुआ। ठीक है, 3 का भी देखो इस जगह पे अगर देखेंगे तो इस जगह पे 3 का 1 हुआ, 3 का 2 हुआ, ये 5 हुआ। तो कोई भी एंगल से मतलब अगर 3 का एक्चुअली 3 का पूरा नहीं बोलो, 3 का 1 है ये, तो 3 का 1 भी कंप्लीट हुआ तो उस जगह पे भी एक 5 वेव सीक्वेंस कंप्लीट हुआ। ये अगर 3 का 1 होगा तो इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को एक्चुअल जो काउंट लग रहा है ये 3 का 1 नहीं है। मेरे को वो डेली चार्ट पे अगर देखेंगे ना तो मेरे को एक्चुअली इस जगह पे एक 1 हुआ, ये 1, अभी 3 का 1 इधर हुआ, 3 का 3 इधर हुआ, ये सबसे बड़ा मूव था, ये देख के लग रहा है 3 का 3 इधर हुआ। ठीक है, 3 का जो 5 का वो इधर कंप्लीट हुआ, 3 का 5। ठीक है, मैं थोड़ा गाड़ी में जस्टम छोड़ दी, 3 का 5 अगर इधर कंप्लीट हुआ, ये जो रिट्रेसमेंट है ना ये थर्ड वेव कंप्लीट होने के बाद हमेशा छोटा होगा। तो ये रिट्रेसमेंट देख के लगता है ये थर्ड वेव था बड़ा, तो इधर 1-2 हो गया, थर्ड वेव इधर मेरा कंप्लीट हो गया, थर्ड वेव के बाद रिट्रेसमेंट हमेशा छोटा। तो उसके बाद जो था फिफ्थ वेव का टारगेट आता है ना, ये जो पूरा इधर से इधर तक उसका 0.38 या तो 0.61, तो 0.61 देखेंगे वो इस जगह पे मेरा कंप्लीट हुआ 0.61। तो इसके हिसाब से जो वेव 1 है ना उसका 5 वेव सीक्वेंस इधर कंप्लीट हो गया मेरा। अगर वो हुआ तो इसका करेक्शन मिनिमम मेरा 9200 तक तो आएगा ही आएगा, अगर 5 वेव सीक्वेंस इस जगह पे कंप्लीट हुआ तो 9200 आएगा, तो इधर से मेरा और भी 10% करेक्शन होने का एक चांस है। तो 10% करेक्शन होगा तो वो तो पोर्टफोलियो के ऊपर 15% करेक्शन दे ही देगा। तो अभी मैंने उतना कंफर्म नहीं हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ जो उतना कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि बुल मार्केट निफ्टी अच्छा लग रहा है, किचन एवरीथिंग अच्छा लग रहा है, तो इतना शायद नहीं भी जा सकते, लेकिन अभी मेरे लिए उस लिए मेरे लिए
इस जगह पे अगर देखेंगे, मैं पूरा ये सीक्वेंस देखूं, मैं अगर पूरा ये सीक्वेंस देखूं, कभी इसने लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया। इधर से देखो, इधर आया, फिर से ऊपर गया। लास्ट लो को ब्रेक कब, लास्ट लो कब बोल सकते हैं, जब इसने लास्ट टाइम क्रॉस करके किया। ठीक है, तो इधर से मैंने अगर देखूंगा, कभी उसने लास्ट लो ब्रेक नहीं किया। हेलो हेलो, जस्ट वन मिनट, मेरा इधर कुछ हैंग कर रहा है एक्चुअली। तो मैं अगर इधर से देखूंगा, ये लास्ट लो ब्रेक कभी नहीं कर रहा है। इस जगह पे देखो, ये ब्रेक आप लोग बोल सकते हो, लेकिन इसको ये हाई को क्रॉस करने के पहले तो वो वैलिड नहीं है। हाई को क्रॉस करने के बाद कभी ये पूरा सीक्वेंस में कभी उसने ब्रेक नहीं किया। मैं अगर कंटिन्यूअसली इसको खींचू तो कभी उसने ब्रेक नहीं है, देखो दिख नहीं रहा है, मतलब जो भी है आप लोग क्लियरली देख सकते हो। लेकिन अभी तो हुआ, अभी ऐसा करके इस जगह पे अगर आप देखोगे, इस जगह पे एक हाई दिया इसने ब्रेक कर दिया और उसके बहुत कंफर्टेबली क्लोज किया। और मैंने तब भी एक इसका जो इसको क्यों हो रहा है इतना, मैंने तब भी वेट कर रहा था शायद इस जगह पे बाउंस, लेकिन देखो इस जगह ये जो लो है ये बहुत अच्छा, इस जगह पे देखो आके वीक पड़ रहा है मार्केट, से दिया। तो मेरे को जो लगता है अभी जो मूव होगा ऐसा नीचे जाके ऐसा तक शायद ये 9200 इस लेवल तक आएगा, आने के बाद ऐसा एक मूवमेंट दे सकता है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। देखो आप लोग अगर होल्ड कर सकते हो ना आपको, तो कोई बड़ा बात है नहीं इसमें। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा तो करेक्शन है नहीं, 1000 पॉइंट का है, लेकिन वो पोर्टफोलियो में 15-20 टका का तो खाली कर देगा वो आपको। तो ऑब्वियसली ये क्या है, देखो लास्ट कुछ दिनों से मेरे को जैसे स्टॉक मिल नहीं रहा था उतना, क्योंकि जो भी स्टॉक मिल रहा था बहुत ऊपर है, तो उसको लेने के लिए उतना सही मिल नहीं रहा था। तो ये हमारे लिए अगर ये करेक्शन होगा तो अच्छा है, हम लोग अच्छा स्टॉक उठा सकते हैं, इससे कोई बड़ा बात नहीं है। इस जगह पे आप लोग वही कर सकते हो जो जिस जिस में हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक करके, बुक मतलब क्या है, पूरा मत निकल जाओ, क्योंकि मार्केट अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये मेरा गारंटीड नहीं है जो कंप्लीट नहीं हो गया। हो सकता है कल फिर से इधर गैप अप खोल के ऐसा ऊपर जाके हमें फिर से फुल फोर्स में तब भी एंट्री करूंगा जब ए हाई को क्रॉस करेगा, तब मैं कंफर्म हो जाऊंगा ये जो मतलब करेक्शन है उसका इफेक्ट और नहीं है। तो मैंने अभी जैसे मतलब वही 65-70% इन्वेस्ट कर है, तो एक पॉइंट को क्रॉस करेगा तो मैं फिर से फुल इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरा वो है। तो अभी मतलब वही एक्शन प्लान यही है मेरा, मतलब एक्शन प्लान तो मैं ऑलरेडी इस जगह पे कर चुका था, इस जगह से मैंने ये जगह से ही लगभग प्रॉफिट बुक कर रहा था। मैं जैसे वीडियो बनाया था ना प्रॉफिट का,
उसमें आप गट से देखोगे तो मेरा दो अकाउंट में फुल प्रॉफिट बुक किया हुआ था लगभग, क्योंकि उसमें देखना आपको रियलाइज प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा था दोनों दो अकाउंट में। तो मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी मैं सेव करके तो रखा है मेरा जो है 30-35% तो प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। और देखो अगर मेरे को दोनों एंगल से ही वो है जो मैंने दो काउंट आप लोगों को दिखाया, एक तो अगर इस जगह पे वन बड़ा वन कंप्लीट हो गया तब तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा है, तब मेरे को नहीं लगता है इतना नीचे तक आएगा। हाँ तो तब क्या होगा, थ्री का थ्री चालू होगा तो बहुत ही शार्प एक मूव मिल सकता है। अगर वो थ्री का थ्री चालू हुआ तब इस जगह पे अगर रुकेगा नहीं, वो क्या है इसके बाद बहुत बड़ा एक मूव देगा, शायद 12-13-14 हजार तक भी जा सकता है। तो हमारे पास स्पेस तो रहेगा कमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है जी हम लोग अभी का अभी पकड़ के बैठे रहेंगे तो कमा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको क्रॉस करेगा तो कमा पाएंगे, लेकिन ये अगर वन कंप्लीट हुआ जैसे मैं बोल रहा था तब ये इधर तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इलिया टाइप का काउंट ऐसा होता है एकदम क्लियर कट तो कोई नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इधर तक आएगा तो इस जगह पे हमारा बहुत सारे स्टॉक बहुत सस्ता तो मिलेगा, तो इस जगह से हम लोग एक हायर हाई ये देगा। तो देखो इस जगह पे आएगा तो एक बार में नहीं आएगा, एक ऐसा आएगा ऐसा एक फिट से रिट्रेसमेंट उसके बाद ऐसा आएगा वो, ठीक है। तो इस जगह पे जो एक लास्ट हाई जो दिया वो लास्ट हाई को जैसे क्रॉस करेगा फिर से अप ट्रेंड दिखेगा तो हम लोग इस जगह पे ले सकते हैं, पोर्टफोलियो को रिबिल्ड फिर से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह से फिर से लेके होगा तो बड़ा मूव उसके बाद, अगर इस जगह पे वन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद थ्री चालू होगा, तो ठीक है। तो अभी मेरे को जो लगता है फाइव वेव एक सिक्वेंस कंप्लीट हुआ तो इस जगह का करेक्शन जो अभी रहेगा तो, और इसके निफ्टी के साथ अगर देखेंगे निफ्टी ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड में है। इसका बोलना ऐसा है कि छोटे छोटे जो शेयर्स है ना स्मॉल कैप में जो आते वो सारों में अभी अगर ये निफ्टी स्मॉल कैप्स इंडेक्स जो है वो अगर नीचे आता है 10,200 से 9,000 के आसपास तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा जी। कुछ मेरे को बोल रहे हो सर? हेलो प्लीज आप लोग म्यूट करके रखिए अगर आप साइड में बात कर रहे हो तो प्लीज। अगर निफ्टी देखेंगे निफ्टी का भी मेरे को जो मतलब ये है ऑलरेडी लास्ट वीक मैंने इलिया ट्रेड का वीडियो दिया था निफ्टी का, तो निफ्टी जो है एक लास्ट लेग ऑफ मूव में है। निफ्टी अगर इस जगह से मैं देखूंगा ठीक है इस जगह पे 1-2 एक बड़ा 3 कंप्लीट हुआ एक 5 चल रहा है और 5 का जो है 1 ऑलरेडी कंप्लीट हुआ 3 चल रहा है अभी 5 का थर्ड वेव चल रहा है। ये कभी मतलब इसलिए इतना पावर अभी दिख रहा है निफ्टी में, ठीक है। मेरे को लगता है ये 17,200 तक लेकर जाएगा इसको, तो 17,200 तक जाएगा। मैं इसमें एक्चुअली रिट्रेसमेंट दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को फ्यूचर में मैं कैसे मतलब प्लान कर रहा हूँ वो थोड़ा आप लोगों को। मम्मा खाना डाल दे, मैं क्लियर कट निकाल दूंगा जिसने साइड में बात कर रहे और मतलब म्यूट नहीं करके। अब म्यूट करके कितना भी बात करो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इसमें मैं देख सकता हूँ रिट्रेसमेंट के हिसाब से क्या हो सकता है। चलो अभी ये मेरे को लगता है इस जगह से कहाँ तक आएगा 17,200 के आसपास, तो 17,200 में 3 कंप्लीट होगा
17,200 या 300 एग्जैक्टली तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, उसके बाद एक 16,500 तक शायद आ सकते हैं, उसके बाद जो फाइनल एज आएगा एक 18,000 तक लेकर जाएगा इसको। तो ये जो फिफ्थ वेव थर्ड वेव में जनरली कभी मैंने जितना देखा थर्ड वेव जब भी चलता है स्मॉल कैप उतना मूव नहीं करता है, लेकिन स्मॉल कैप कहाँ पे मूव करता है ये फिफ्थ वेव में जितनी जब चलता है, जैसे हमारा भी अगर देखोगे निफ्टी कहाँ पे मूव किया था स्मॉल कैप, क्योंकि देखो आप कुछ भी ले लो, आप तो निफ्टी 50 स्टॉक पकड़ के बैठे नहीं हो तो आपको मतलब वो मूवमेंट नहीं मिलने वाला है पोर्टफोलियो में। जब आपने देखा होगा निफ्टी का मूवमेंट हम लोग कहाँ पे मिला, देखो निफ्टी का वन इस जगह पे कंप्लीट हुआ, थर्ड चल रहा था, इतना तक तो हम लोग को उतना मूवमेंट नहीं मिला था अप टू 11,000 का लेवल तक, लेकिन मूवमेंट कहाँ मिला, ये जो फिफ्थ चल रहा था उस जगह पे मूवमेंट मिला, और एक कंसोलिडेशन कर रहा था उस जगह पे मिला, और इतना दूर तक आके जो कंसोलिडेशन किया इतना तक मिला, लेकिन जैसे थर्ड चालू हुआ हम लोगों को उतना मूवमेंट नहीं मिल रहा है। तो अभी ऐसा नहीं है निफ्टी बड़ा करेक्शन होने के पहले मूवमेंट नहीं होगा, वो क्या है ये 17,000 तक आएगा, इतना तक मेरे को लगता नहीं उतना मूव होगा स्मॉल कैप पे, लेकिन इधर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट जो चालू होगा ना उधर से मूव चालू होगा, और ये जो 18,000 तक जाएगा 18 से 18,500 या तो मैक्सिमम 19,000 तक, ये मूवमेंट क्या इतना स्टेट नहीं होगा। जनरली फिफ्थ वेव के एकदम लास्ट लेग जब चलता है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रहता है, वो ऐसा ऐसा होता है, बार बार ब्रेकआउट देगा फेलियर होके ऐसा नीचे आएगा, ऐसा ऐसा चल के जैसे ऐसा एक जैसे बनाएगा, और फाइनल करेक्शन होगा जब ये नीचे इसको तोड़ेगा, और वो करेक्शन कहाँ तक होगा 14,200 तक होगा। तो अभी मेरे को जो लगता है शायद नवंबर दिसंबर के आसपास वो करेक्शन हो सकता है, ठीक है 14,000, लेकिन 14,200 जो करेक्शन होगा ना उसके बाद मूव जाएगा मिनिमम 33,000-34,000 तक। तो ये 14,000 से 33,000-34,000 तक ये सबका लाइफ बदल सकते हैं आप लोग सही से यूज करोगे तो। तो अभी ऐसा नहीं, अभी थोड़ा बहुत बड़ा पिक्चर आप लोग देखो, वो 2-3 साल चलेगा, 2-3 साल में वो 20,000-25,000 का एक मूव शायद मिनिमम में बोल रहा हूँ, मैं तो 40-42 भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है करेक्शन होके मतलब, और वो भी वो क्या है वो सेकंड लेग है, और थर्ड लेग कब चालू होगा वो फिर से एक रिट्रेसमेंट देगा शायद 30,000 तक 29,000 तक, और वो थर्ड वेव कितना तक जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिट्रेसमेंट, लेकिन वो रिट्रेसमेंट कभी बड़ा नहीं होता है थर्ड वेव के बाद। तो उसके बाद हमारा फाइनल फिफ्थ वेव जो चलेगा वो 51,000-52,000 तक भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा लाइफ का, ये जो है ना ये एक्चुअली निफ्टी का थर्ड वेव अभी चल रहा है जो भी वेव चल रहा है, क्योंकि लोग जो बोलता है ना मैक्सिमम इंडियन वेव एनालिस्ट बोलता है जो एक्चुअली 2008 से खत्म हुआ, ये जो 2008 से अभी तक ये चला ये थर्ड वेव, तो मेरा हिसाब से ये थर्ड वेव नहीं हो सकता है, ये वेव वन कंप्लीट हुआ, मतलब एक तो बड़ा वेव वन इधर कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जो थर्ड चालू हुआ उसका वन कंप्लीट हुआ, थर्ड का थर्ड चल रहा है अभी जो हमारा लाइफ का सबसे बड़ा वो है। क्यों थर्ड का थर्ड बोल रहे हो, थर्ड वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्या होता है थर्ड वेव जनरली आपको चार्ट में अलग से वर्टिकल जैसा दिखेगा, और थर्ड वेव के टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। आप अगर निफ्टी का वॉल्यूम इस चार्ट में मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मेरा इसमें आता हूँ, आप अगर वॉल्यूम देखोगे देखो इस जगह पे वॉल्यूम देखो पूरा अलग है, मूवमेंट भी ऑलमोस्ट वर्टिकल जैसे। तो ये निफ्टी का थर्ड का थर्ड वेव चल रहा है जिसमें रिट्रेसमेंट कभी बड़ा नहीं होता, जैसे 15,500 के आसपास से जो करेक्शन हुआ था 14,200 तक, देखो इतना बड़ा करेक्शन हुआ ही नहीं है, थोड़ा सा 10% रिट्रेस किया तो, लेकिन एक बड़ा रिट्रेसमेंट तो बीच में रहेगा ही रहेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18,200-18,300 से 14,000 तक आएगा। तो वो हमारे लिए वो अगर आए तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, और हम लोगों को तो लाइफ टाइम में ऐसा मूवमेंट शायद नहीं मिलेगा, वो जो 20-25,000 का एक मूवमेंट मिलेगा। और ये क्या है मिनिमम में 33,000-34,000 बोल रहा हूँ, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड का वो थर्ड होगा, थर्ड का थर्ड कभी शॉर्टेज नहीं होता है, और जो टारगेट है उसमें कभी रोकता नहीं है, वो जनरली एक्सटेंशन उसमें मिलता ही है, तो वो 40-45,000 तक भी जाएगा तो मैं सरप्राइज नहीं होगा,
तो हम लोगों के मिनिमम 20,000 से 30,000 का मूवमेंट मिल सकते हैं निफ्टी में, तो वो अगर मिलेगा तो उसके लिए हम लोगों को उस जगह पे अगर निफ्टी उतना बड़ा मूवमेंट देगा तो हम लोग भी ऑब्वियसली एक क्या है उसमें तो 3-4 गुना तो कर ही लेंगे। तो अपना कैपिटल को बढ़ाना है उस जगह पे, उसके लिए प्रिपेयर रहना है हम लोगों को। देखो उसके लिए अभी अगर थोड़ा बहुत, अभी तो मैं क्लियर है, मैं जैसे वेब कुछ भी हुए स्मॉल कैप इंडेक्स में, मैं नया इन्वेस्ट देखो मैं करने वाला तब तक नहीं हूँ जब तक वो लास्ट हाई को क्रॉस नहीं कर रहे। देखो अभी निफ्टी बहुत बड़ा मूव क्यों स्मॉल कैप इंडेक्स, आप लोग जिंदगी में उतना बड़ा मूव नहीं मिलेगा जितना देगा, क्योंकि देखो स्मॉल कैप इंडेक्स का अभी थर्ड वेव चल रहा है, इसका एक वेव वन इधर कंप्लीट हुआ, अभी देखेंगे तो थर्ड का वन इधर कंप्लीट हुआ था, उसका रिट्रेसमेंट थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ये जो इस जगह पे 3 साल के बाद जो एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और ब्रेकआउट देने के बाद देखो एकदम से सही, कोई भी चार्ट में मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, यूट्यूब वीडियो में आप लोग देखोगे तो सीख पाओगे, मैं क्या बोलता हूँ, अगर ब्रेकआउट स्ट्रेट हो गया तो वो इस ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करेगा ही करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो एक्सेप्शनल केस है। कंसोलिडेशन कैसे करेगा, इधर तक आके ये कंसोलिडेशन करेगा, हम लोग अगर ये ब्रेकआउट के पहले ऐसा कंसोलिडेशन देता था तो इतना डरने का बात नहीं था, क्योंकि ये स्टेट जा सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट के पहले कोई कंसोलिडेशन नहीं दिया, और इस जगह, और मैंने ये पहले ही बोला था, देखना 2 महीने पहले एक चार्ट शेयर किया था मैं सब जगह पे, उस जगह पे स्मॉल कैप का टारगेट 10,500 से 600 तक दिया था, जो उस जगह पे मैं थोड़ा, वो मेरा पहले से ही प्लान था, जो ऐसा नहीं जो मैं थोड़ा वीकनेस देख के 10,500 तक मेरा टारगेट पहले से ही था, और उस जगह पे उसलिए मैं आप लोगों को सबको बोला थोड़ा सा लाइट रहो, तो और मैंने भी थोड़ा सिप करके लिया, मेरा 30-35 टका मतलब जो कैपिटल है वो मैंने निकल के रखा है हाथ में, तो ये रीजन था। और दूसरा ये जो ब्रेकआउट के बाद कोई कंसोलिडेशन एक देगा ही देता ही है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के पहले एक पैराबोलिक टाइप का मूव है, एकदम स्ट्रेट है विदाउट एनी कंसोलिडेशन, तो ये डरने के बाद नहीं, मेरे को लगता है 1-2 महीना ऐसा ही चलेगा, ऐसा कंसोलिडेशन करके फाइनली जो ब्रेकआउट देगा तब भी मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा फिर से नया अमाउंट जो भी है, क्योंकि जो 30-35% कैश लेके बैठे है वो छोड़ के भी मैंने कैश और भी इकट्ठा कर रहा हूँ उस जगह पे, क्योंकि इसके बाद एक फाइनल जो निफ्टी जो बोल रहा हूँ ना 18,500 या तो 18,000 से 14,000 तक आएगा, उसके पहले एक बड़ा मूव तो देगा ही। जब मैंने क्या बोला कब होगा, जब निफ्टी फिफ्थ वेव कंसोलिडेशन करेगा, फिफ्थ वेव का कंसोलिडेशन कैसे होगा, ऐसा ऐसा होता है जनरली फिफ्थ वेव का कंसोलिडेशन, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों रहता है, जो बड़ा बड़ा आदमी नीचे एंट्री किया उसको भी निकलने के लिए टाइम लगता है, इतना हमारा जैसे 1-2 लाख नहीं जो फटाफट निकल लूंगा वो करेंगे, वो लोग क्या करते ऊपर नीचे करके वो निकलते, जैसे निफ्टी का ना मैं वही दिखाने के लिए एक्चुअली गया था दिखा नहीं पाया। देखो ये जो करेक्शन हुआ था, इतना बड़ा जो करेक्शन हुआ था उसके पहले भी एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का था, ये फिप का फिप में होता ही है, इसके भी अगर देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये 5 वेव का सीक्वेंस था, ये 5 वेव का एंड में देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखता ही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक रहता ही है, ठीक है। अभी स्मॉल कैप का इंडेक्स में देखेंगे, स्मॉल कैप्स लेके इससे इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप की भी मेरे को थोड़ा एक कलेक्शन के पहले थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। देखो अभी इस जगह पे अगर देखोगे ना, मेरे को जो लग रहा था ये मतलब वेव वन का 3 कंप्लीट हुआ, मतलब वेव वन सीक्वेंस एक, क्योंकि इस जगह पे आप देखोगे एक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिख रहा है, देखो बार बार ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी देखो ब्रेकआउट देके भी फेल हो रहा है, तो एक फिफ्थ वेव का एंड में जो आता है उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन तो है इसमें, तो मेरे को उसलिए और भी ज्यादा लगता है 19,200 तक आएगा ये, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन इधर दिख रहा है, भले छोटा टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम में जब होता है बड़ा करेक्शन, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम का करेक्शन है नहीं जैसे निफ्टी में मार्च 2000 वैसा नहीं, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक 5 वेव सिक्वेंस कम्प्लीट हुआ और ये 5 वेव का लास्ट था, ठीक है, एक मतलब बड़ा जो वेव वन है
मतलब वेब थ्री का जो वेब वन है उसका मतलब कंप्लीट हुआ और इसके बाद वेब थ्री मेन जो है वो चालू होगा, ठीक है। तो ये और 19,200 में क्यों बोल रहा हूँ, तब देखो वो जो हमारा लॉन्गर टाइम व्यू है उसके साथ भी मैच करते हैं। लॉन्गर टाइम व्यू देखो इस जगह पे हाईएस्ट क्लोजिंग कहाँ पे था, ये तो इतना तक गया था लेकिन हाईएस्ट क्लोजिंग इस जगह तक था 9,200 तक, ठीक है 19,200 तक था। तो 19,200 तक जो है इस जगह तक एक मतलब कंसोलिडेशन आ ही सकता है। तो और जो फिफ्थ वेव का मैं मतलब फिफ्थ वेव का एंड का जो टारगेट वो भी 9,200-9,100 तक आ रहा है। तो देखो ये इधर तक आएगा ये खराब नहीं है, एक रिट्रेसमेंट हमें, क्योंकि अभी आप लोग लास्ट एक महीने से देखोगे नया स्टॉक कोई मूव नहीं कर रहा है, नया स्टॉक जितना एंट्री कर रहे हैं मूव नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा मूव के लिए बहुत हेल्दी है, एक करेक्शन होगा तो हम लोगों को बचाना है इसमें करेक्शन। देखो आप लोग अगर नहीं निकलोगे इसमें भी उतना प्रॉब्लम है नहीं, अगर डिसीजन ले रहे हो होल्ड करने का बहुत अच्छा है, उसका कुछ नहीं है। 10-20 का ही करेक्शन होगा, उतना ज्यादा करेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद एक मैंने स्मॉल कैप का लाइफ टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को डरने का उतना कोई बात नहीं है इसमें। तो लेकिन आप लोग अगर कैपिटल सेव करना चाहते हो और बड़ा जो इसके नेक्स्ट वेव आएगा उसके लिए अगर आप लोग करना चाहते हो थोड़ा सा कैपिटल सेव करो, लेकिन ये फिर थर्ड वेव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को मिस भी हो सकता है, तो पूरा का पूरा मत निकलो इस जगह। मैंने फिर से और मेरा एक ही मतलब अभी ये है, देखो कल उठ के ऊपर जाना चालू करे तब भी मैंने एंट्री इसके ऊपर नहीं करूंगा, और एकदम नीचे जाए तो इस जगह से जब हायर हाई का सीक्वेंस नहीं बनाएगा तब तक मैंने पूरा कैपिटल फिर से डिप्लॉय नहीं करूंगा मैं। ये मेरा एकदम क्लियर जो प्लान है, और मैंने सबसे बड़ा प्लान वो कर रहा हूँ निफ्टी जब 14,000 से लेके 33,000 33,000-35,000 जाएगा, तो उसके लिए प्लान करो आप लोग, पैसा इकट्ठा करो, वो लाइफ का हम लोगों को सबसे बड़ा वेब मिलने वाला है, ठीक है। मेरे को जो बोलना था ये बोल लिया, अभी चलो थोड़ा गप मारेंगे और क्या है, क्या बोलते हैं संदीप सर? बिल्कुल सही है सर। क्या है बाजार में अभी अपन वास्तव में स्टॉक देखने जाए ना सर, इतने वो मतलब कोई उसमें मिल नहीं रहा स्टॉक, क्या आपको कोई बहुत बढ़िया तरीके से कोई स्टॉक जो मतलब जिसमें, तो ये जो चीज है ना ये अब इतना बड़ा हुआ है 9,200 तक, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये आ सकता है, और अब या तो बुक कर लो 30-35% जैसे आप कह रहे हो, या फिर अपनी लाइन लगा के रखो स्टॉक पर। तो मैंने देखा सर लास्ट एक महीने में मेरे को जुलाई का स्टार्टिंग तक जैसा मूव मिला, जुलाई का मिडिल से जितना स्टॉक उठा है किसी में मूव नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। ये पिछले ये एक महीने की बात नहीं है, ठीक है वो बीच में जो निफ्टी कंसोलिडेशन करता था ना तो उसमें मतलब ऐसे भाग स्टॉक जो भागे ना, ब्रेकआउट से पहले कोई कंसोलिडेशन नहीं और सीधा ही 50 रुपये ऊपर, 25 रुपये ऊपर, 40 रुपये ऊपर, 100 रुपये ऊपर, बहुत सारे स्टॉक तो अपने ग्रुप में जब अपन ने एक मैसेज किया था उससे पहले तो ऐसे ही हो रहा था। हाँ वैसा ही, हाँ कंसोलिडेशन टाइम के मतलब बहुत भागा है निफ्टी, मतलब हमारा स्मॉल कैप मैं देख लिया, मिड कैप बोलो या तो निफ्टी 500 बोलो कुछ भी बोलो वो सब चलता है, तो पोर्टफोलियो नहीं चलता है, जब स्मॉल कैप इंडेक्स चलता है तब बॉर्डर मार्केट चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी उठा लो, मिड कैप का स्टॉक उठाओ या तो कुछ भी उठाओ, और जब स्मॉल कैप इंडेक्स परफॉर्म नहीं करता है ना कोई सेक्टर नहीं चलता है, नहीं चलता जी, नहीं चलता। एक चीज और है ना सर, वैसे देखा जाओ आप अभी जैसे आप तो ये निफ्टी 100 देख रहे हो सर है ना, निफ्टी 500 भी देखता हूँ मैं, नहीं अब आप निफ्टी 50, ये निफ्टी स्मॉल कैप 50 देखोगे ना, तो उसमें वो अगर वो 4700 के नीचे गया तो फिर बहुत ज्यादा जा सकता है, हालांकि अभी चांस नहीं है बिल्कुल। आप जैसे कह रहे निफ्टी स्मॉल कैप ये इसमें भी तो 50 है ना, निफ्टी स्मॉल कैप 50 स्मॉल कैप का एक ही इंडेक्स है शायद, 50 होना तो चाहिए जैसे ये तो इसमें तो कितने है, वो तो सारे ही हैं, मैंने कहीं देखा तो था वो करीबन 5,200-5,300 से अभी 3% का करेक्शन दिया उसने, वो मेरे ये लैपटॉप वो एक्चुअली मैं दुकान पे जो लैपटॉप बना उसमें मैंने वो देखा था। पर कुल मिला के सर ये ठीक है बात, स्टॉक इतने बड़े हुए हैं ना, 25-30-35% अगर कैश में रहे
और मौका मिले तो बड़ा मौका मिले। एक्चुअली मैंने सबसे ज्यादा देखता हूँ निफ्टी 500, देखो निफ्टी 500 भी बुलिश ही है, क्योंकि निफ्टी 500 में भी टॉप का 500 स्टॉक आता है जिसमें से हम लोगों को होल्डिंग बहुत कमी है। सही है। और देखो सर उसमें होल्डिंग रख के फायदा भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुका है। जो लार्ज कैप का सोचो 30,000 करोड़ का 50,000 करोड़ का जो जिसका मार्केट कैपिटल है वो बाढ़ के भी कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 करोड़, तो उसमें हम लोगों को डबल मिल सकता है, ट्रिपल 5 times ये सब नहीं मिल सकता है। डबल भी नहीं मिल सकता सर, उतना पेशेंस नहीं होता है। अब वो तो डबल होता है 3-3 सालों में, मतलब जनरली ऐसे थोड़ी होता है जैसे अभी हो रहा है। अगर आप पुराना अनुभव निकालेंगे तो 2.5 साल 3 साल 3.5 साल में अगर आपका स्टॉक डबल हो रहा है तो बेस्ट रिटर्न है। अभी तो एक्चुअल में अगर पुरानी बातों में जाए ना सर अपन, तो एक्चुअल में जो ये करेक्शन हुआ था तो अपन तो 2018 से ही करेक्शन में, अभी अपने पास तो ज्यादातर स्मॉल कैप या मिड कैप वाले ही है ना, कौन सा निफ्टी लेकर के बैठे हैं अपने। जनरली पहले क्या होता था कि भी एक तरीका होता था कि भाई निफ्टी बढ़ा और निफ्टी गिरा तो सारे स्टॉक उसके साथ में गिरे। 2018 में क्या हुआ, निफ्टी तो वही रहा और स्टॉक की धज्जियां उड़ गई, मतलब ये भाव आ गए। और अभी ये कोविड के टाइम में निफ्टी गिरा तो वो स्टॉक एक्चुअल में जैसे मान लो कोई भी स्टॉक है वो 20 रुपए में रुकना था 100 रुपए से मान लो, और वो निफ्टी के करेक्शन में आ गया 2 रुपया। एक्चुअली वही हुआ था, देखो निफ्टी का 2018 से ये क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला था। बिल्कुल, और उसमें वो माल निकाल गए वो। हाँ, निफ्टी का डिस्ट्रीब्यूशन एक कोविड नहीं आता था, दूसरा कोई रीजन से गिनने वाला ही था, गिनने वाला डिस्ट्रीब्यूशन कट तो लिया था उस जगह पे। सही है, ऊपर होल्ड करके माल निकाला, उसलिए 2018 से बॉर्डर मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन था जबरदस्त। और उसमें हुआ क्या सर, मेन चीज जो कहानी थी ना, ये आपका जो ये जो मान लो 1200 से या 400 से जहां से भी गिरा था निफ्टी, वो स्मॉल कैप तो पहले ही ऑलरेडी मतलब ये 100% 25-30% हो गए थे 100 में से। स्मॉल कैप की वो करेक्शन के पहले 4-5 हजार में आ गया था, 9,600 3,000 में आ गया था, कितने से 2,000 पहले मैं बोल रहा हूँ। हाँ, करेक्शन से पहले। अब वो वहां रुकना था उसको, अब क्या हुआ ये कोविड के चक्कर में जितने भी आम आदमी है चाहे उसमें मैं हूँ या आप हो या बाकी कोई भी हो, वो सब क्या है कि सब घबरा गए सर। और वो घबरा कोविड के पहले इस जगह पे 5,200 तक था, 5,200 था, और वो आया 2,500-2,600 तक, मतलब उससे भी ज्यादा हो गया। तो स्टॉक जो 20-25 रुपए में पहले जो तरीका था ना वहां वो रुक जाते थे, और जो बड़े जो कभी कभी मतलब ऐसे पैसे लगाते थे ना उनको एक तरीका पता था, वो वहां ऑलमोस्ट पैसे डाल देते थे। इस बार क्या हुआ, उनको भी ठग लिया इसने, मतलब ठग लिया मतलब कहने का मतलब ये तो देसी भाषा है ठग लिया। तो अब उन लोगों का क्या हुआ सर, 20 रुपए वाले स्टॉक आगे 2-2 रुपया, और अभी जो हो रहा है ना अपने को लग रहा है ये 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, बहुत सारे हुए भी है, ऐसी बात नहीं है। उसका कारण ये वही था, वो पहले जो 2 रुपए से 20 रुपए तो आप उसको मुंह मानो ही मत, तो वो तो एक्चुअल में गलत ही गिरे थे, इतने गिरने नहीं चाहिए थे वो। अब वो लग रहा है यहाँ आकर के कि यार स्टॉक तो इतने बढ़ गए, तब ठीक है उसमें थोड़ा करेक्शन की संभावना 100%। करेक्शन जो होगा ना सर, अभी मैक्सिमम स्मॉल कैप का चार्ट देखोगे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसका भी चार्ट कैसे है, चार्ट ऐसा ही है सर जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है ना, वो क्या किया उसका ऑल टाइम ब्रेकआउट करके और भी 10-20% ऊपर है। एक्चुअली ऐसा ही चार्ट है, कोई भी चार्ट उठा लो मैक्सिमम का चार्ट ऐसा ही है, वो भी ऐसा एक कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। जाना पड़ेगा सर, बिल्कुल सही है, नहीं तो मतलब अगर देखो चार्ट तो अपने आप को करना पड़ेगा ना इस इंडेक्स को भी, नहीं जानेगा अगर वो नहीं गिरेगा तो फिर जाएगा कैसे ऊपर, नहीं जा सकता अभी का जो सिचुएशन है ऊपर जाना मुश्किल है, मुश्किल है। अब ठीक है टाइम वाइज करेक्शन ले ले या प्राइस वाइज ले ले, टाइम वाइज ले तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, भी ठीक है पैसे लगा के बैठे हैं कोई बात नहीं है। प्राइस वाइज आपका अभी का फेवरेट जो है रैमको इंडस्ट्रीज, उसका भी चार्ट देखो वैसा ही है, वैसे ही है बिल्कुल। तो लेकिन इसका करेक्शन मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि वो ब्रेकआउट देने के पहले कंसोलिडेशन दिया था 4-5 महीने का। नहीं सर ये तो इसके कारण हुआ ना, जैसे इसको ये जो अभी इंडेक्स गिरा ना, जैसे इसको 290 के आजू बाजू आप ये इसका कर्सर लगाओ
ये ऑलरेडी 20% करेक्शन तो हो गया टॉप से। 20% नहीं हुआ सर, 290 लगा हुआ, 290 360 का सर था, तो 360 से 20% ही हुआ ना सर। हाँ वैसे 20% हो गया, सही है। अब कहानी ये है ना सर, देखो अब जैसे आप पहले इसमें क्या है, पहले एंट्री किया नहीं था क्योंकि मैं जनरली एंट्री कब करता हूँ, इस जगह पे ब्रेकआउट देखे जब सेकंड ब्रेकआउट देते हैं तब करता हूँ एंट्री। तो इस जगह पे अभी जो मेरा प्लान है, ठीक है, मैं इस जगह पे अभी शायद मैं सोच रहा हूँ मंडे 30% एंट्री करूंगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी 20% करेक्शन में मेरे को मिल रहा है, और उसमें शायद मेरे को लगता है इस जगह पर भी रुकेगा नहीं, इस जगह तक शायद आ सकता है। 260 का इसका मतलब नहीं तोड़ना चाहिए ये, अच्छा गिरावट अगर देखो अब ऐसे तो नहीं तोड़ेगा सर, लेकिन इस जगह तक आएगा तो मैंने 30% इधर एंट्री करूंगा, फिर से 30% इधर करूंगा, 60% हो गया, बाकी 40% इसको मतलब क्रॉस करेगा तो उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरा प्लान है, कोई भी स्टॉक में अभी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मैंने उसके बाद तो लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें ऐसे ही मेरे को एंट्री करना है, मतलब जो सपोर्ट का आसपास दिख रहा है तो उस जगह पे 25-30%, और भी नीचे आए तो और भी 25-30%, और बाकी एकदम लास्ट हाई को क्रॉस करेगा तो उसके बाद। सर एक चीज इसमें मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अभी आप पीछे बोल रहे थे ना 10,600-10,500 जो भी है यहाँ से 9,200 तक के पूरी संभावना है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 10% ही होगा ना ऊपर से, तो लगभग लगभग ऊपर से तो 15% के ऊपर है सर, 10,700 है, 10,700 थोड़ी लगा गया है स्मॉल कैप इंडेक्स। हाँ सर 10,700 हो गया था। हाँ 10,700 से ये लगाओ सर आप करीबन करीबन ये ठीक है, 12-15% एक चांस हो सकता होता है ये, अगर कोई ठीक ठाक करेक्शन आ जाए ना तो 12-15% हो सकता है, अमूमन इतना होता नहीं है, 8% मिनिमम होता है। ये हाईएस्ट कितना दिया था 10,000 ये यहाँ अगर कंसोलिडेशन करें ना सर तो फिर वो 9,200 तक मुझे नहीं लगता, मेरे को लगता है अभी क्या बड़ा नहीं देगा ऐसा, मतलब थोड़ा धीरे 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 इस जगह तक आके इस जगह पे सपोर्ट लेगा। हाँ ये मैक्सिमम है 9,200-9,100 जो भी है ये। हाँ वही मतलब मेरे को इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे लगता नहीं है नीचे जाएगा। अब इसमें होता क्या है सर देखो, अब अभी आप जो बात कर रहे हो ना असल बात, पैसे एक खाली को मतलब 30-35% रखने की, जनरली अगर मान लो 9,100-9,200 तक आ गया ना तो मार्केट के क्या है कि चाहे स्मॉल कैप हो चाहे निफ्टी हो चाहे और कोई सा मिड कैप इंडेक्स हो, उसमें घोड़े बदल जाते हैं मार्केट के। अब क्या होता है सर, जैसे मान लो मैंने लिया हुआ है वो पुरानी, वो मैंने बेचे नहीं है वो, ठीक है मान लो पड़े हैं, अब क्या होगा सर उसमें सारी फंसे हुए मतलब चाहे 100 रुपए का लिया हुआ वो आज मान लो 200 पड़ा है या 250 पड़ा है या 150 पड़ा है, वो तो घोड़े बदल जाता है मेरे को भी, घोड़े बदल जाते हैं सर, फिर क्या होता है मेरे पास तो पोर्टफोलियो रिसेपल करना ही पड़ेगा। अब क्या होता है जनरली माइंडसेट क्या होता है यार ये बाकी चल रहा है तो फिर मेरा तो चल जाएगा, ये तो मेरा तो बहुत टॉप का है मेरा तो घोड़ा, उसमें क्या होता है उसमें तो वो करते हैं उसको तो पड़ा रहने देते हैं 6 महीने 8 महीने 12 महीने 1.5 साल, अब आपकी पूंजी तो हो गई ब्लॉक, अब नए घोड़े बन जाते हैं, मतलब ये एक सिद्धांत ही है इस मार्केट का। अब ठीक है इस बार तो क्या है कि इस बार भी देख लो सर आप अगर शुरू से आप लगोगे तो क्या है सेक्टर वाइज ही मार्केट चला है ना, ये तो अभी चला है पूरा तो ऑल ओवर, मतलब ये समझो अपने कब बात की थी जब वो ट्रंप का वो था क्या बोलते हैं उसके वो चुनाव का यूएस का, उसके बाद में अपन ने ग्रुप में डिस्कशन किया था ना कि भाई अब ठीक है अब सारे के सारे चलने वाले हैं, अब उससे पहले तो आप देख लो ना सर टोटली सेक्टर वाइज वो फार्मा चला मेटल चला, अब उसमें छोटे बड़े वो टाइम आता है, पहले बड़े चलते हैं उसके बाद मीडियम वाले चलते हैं उसके बाद छोटे वाले चलते हैं, आईटी चला फार्मा चला, और वही है सर अभी मतलब बड़ा कैप चल रहा है तो छोटा कैप उसको फॉलो करने वाला ही है, फॉलो करने वाला उसमें डाउट नहीं है। हाँ अब क्या है सर ये जो उसके बाद यूएस चुनाव के बाद में जो पूरा मार्केट मतलब ऐसे चला गया सारे के सारे चले, फिर उसमें कोई रुका नहीं, ठीक है कोई 1 महीने बाद चल गया कोई 2 महीने पहले चल गया कोई 3 महीने बाद चल गया, चले सारे अब ऐसी स्थिति में जाके खड़े हो गए हैं कहीं यहाँ से अगर उनको वो कहने मतलब वो बूस्टर डोज चाहिए, अब वो बूस्टर डोज तो सर नीचे गिरेगी तो ही मिलेगी,
अदरवाइज तो क्या है फिर आखिर में चैन नहीं मिलेगा सर, थकेगा नहीं तो वो थक जाएगा। और क्या होता है सर, हम लोग भले चार्ट देख के करते हैं, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर, वो लोग तो पी देख के इन्वेस्ट करते हैं। पी नहीं देखते सर, पी तो देखते हैं सर, उसके साथ में वो दो तीन चीजें और देखते हैं, वही बिजनेस है सब, और थोड़ा सा मतलब वो लोग फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं। मेरा बोलने का ये मतलब है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज इसमें ध्यान रखनी चाहिए सर, जैसे मैं अभी पिछले, क्योंकि वो जब मैंने उस तरफ ध्यान दिया हुआ था, जो से अपन ने ग्रुप में पहले बात हो रही थी ना, पी पी पी, कभी ये 29 का हो गया, 30 का हो गया, उस टाइम तो इंडेक्स क्या था, 10, वो अपना ऑल टाइम हाई के पास पास था निफ्टी, और लगभग लगभग जो जितने भी कच्चे खिलाड़ी उस ग्रुप में थे वो सारे सारे कैश में आ गए थे। अब क्या है, इस टाइम वो सारे के सारे अब 3,000 पॉइंट का, 2,500 पॉइंट का तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना, अब वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं। अभी जो जैसे आप ग्रुप का अगर अध्ययन करो तो वो सब लोगों ने उधर पैसे, मतलब वो जो बचे हुए पैसे थे ना, वो इधर लगाए हुए हैं। वो एक्चुअल में क्या है सर कि ये जो मतलब सिस्टम, मतलब एक पुरानी चीज है सर, मैं आपको एक बताता हूँ छोटी सी, दो मिनट का टाइम तो लगेगा, पर है मजेदार चीज है। क्या होता सर, पुराने जमाने की जो सारी चीजें है ना, वो वस्तु बदल सकती है, चीजें बदल सकती है, चीज वही रहती है। अगर आप इसका स्टॉक मार्केट में से अगर देखने चाहो ना, तो पहले जो युद्ध होते थे ना सर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, तो युद्ध में क्या होता था, जो आज से मुगलों के टाइम या उससे पहले अपने अशोक सम्राट के टाइम जो युद्ध होते थे, अब वो युद्ध कैसे होते थे, पहले चल आगे होते थे घोड़े, ठीक है ना सर, उसके बीच में होते थे हाथी, मतलब थोड़े थोड़े इधर उधर, ठीक है, उसके बाद होते थे सैनिक, ठीक है सर, और उसके बाद क्या होते थे, जो ये खाना बनाने वाले सैनिक है या थोड़े बुजुर्ग टाइप के सैनिक है, वो होते थे। अब क्या होता है सर, युद्ध करने निकले तो सबसे पहले तो घोड़े आगे रहते हैं ना, ठीक है, वो घोड़े क्या होता है कि वो तो पीछे रह जाते हैं, घोड़े एक जाकर के एक जगह खड़े हो जाते हैं, अरे यार हमारे सैनिक तो बहुत पीछे रह गए, उनको आने दो, यहाँ थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं, घोड़ों को भी विश्राम हो जाएगा। अब क्या होता है, बुल मार्केट में सेम टू सेम यही कहानी होती है सर, वो जो घोड़े जहां विश्राम कर रहे हैं वहां पर वो सारे को सरों को लेके जाएंगे, सारे के सारे वहां पहुंचेंगे, वो लेट पहुंचो, धीरे पहुंचो, कहीं भी पहुंचो, उसके बाद सर फिर एक नई चीज चालू होगी, वो घोड़े फिर आगे निकल जाएंगे, वो काफी पीछे रह जाएंगे, बीच में जो खच्चर है, हाथी है, वो धीरे धीरे पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो सही एक न एक दिन, पर वो धीरे धीरे पहुंचेंगे। अब समझ लो सर, वहां जाकर के उनका वो आ गया एक स्थान, और सामने देखा गया अपने तो कुल मिलाकर के 2,000 सैनिक और घोड़े हाथी सब मिला के हैं, सामने वाली सेना के अंदर आ जाते हैं, उनको दिखता है यार ये तो 5,000-7,000-10,000 सैनिक है। अब सर वो वहां से अब क्या होगा, जो कमजोर दिल वाले हैं जो और है, वो सबसे पहले 10,000 सैनिक देखते ही पीछे मुड़ेंगे। अब पीछे मुड़ेंगे तो सबसे पहले कौन भागेगा सर, घोड़े तो आगे है, जो बूढ़े सैनिक है, जो बीच वाले सैनिक है, वो सबसे पहले दौड़ जाते हैं। ये समस्या इस स्टॉक मार्केट में रहती है, जो इसके लीडर है वो अंत तक लड़ेंगे, पर जो ये प्यादे हैं ना वो सबसे पहले मुड़ जाते हैं, मतलब जब कभी भी ये अंत होगा ना। मेरा कहने का मतलब इसमें तात्पर्य ये था सर कि अपन जैसे पिछले 2 साल 2.5 साल 3 साल से मान लो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ये बार बार जो एंट्री लेना और बार 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 होना है ना सर, ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है और आगे जाके दिक्कत कर सकता है। सर आप पूरा पोर्टफोलियो निकाल दोगे ना, आप एंट्री नहीं कर सकते उसके बाद, एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत मेहनत का काम है, जबरदस्त। और अगर छोटा देखो 1-2 लाख का कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जब 20-30 लाख का होगा ना पोर्टफोलियो, फिर से रिबिल्ड करना बहुत प्रेशर का बात है। और सर उसमें क्या होता है, घोड़े तो आपके छूट जाएंगे। अब घोड़े मान लो आज मेरी बात समझ लो, मेरे से बालाजी हमारी छूट गया सर 330, वो अपन ने शेयर किया था, आपने भी किया था, वो 1,000 रुपए से जब 700 रुपए आया ना सर, अगर उसका चार्ट बोलोगे वो क्या है, वो सिर्फ माइंड सेट के कारण छूट गया। कर यार वैसे तो 300 रुपये हो जाता है, 1,000 जाकर के 700 रुपया, पर उसने स्टॉप लॉस नहीं काटा और मैं उसमें बैठ गया। वो ऐसे वो आया था ना इंडेक्स, वो ट्रंप की कहानियां उस टाइम हुई थी, तो मैंने कहा यार ये तो 300 का लिया भाई, 900,000 रुपये हो गया इसको भाई, ये तो मैंने मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करो, कभी ये रुकेगा।
मैंने कभी फुल नहीं निकलता हूँ, मेरा जो प्रॉफिट वाला, अगर मेरे को मार्केट खराब लग रहा है उसमें मैं 20% भी प्रॉफिट में हूं ना, तो मैं 20% का तो मार्केट में ही रखूंगा, प्रॉफिट कभी मैंने घर पे नहीं लेकर आता हूँ। नहीं सर, उसमें मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी क्या है उसमें सोच रहा हूँ यार, कुछ भी हो चाहे अपने वो करना ऐसा है कि मार्केट आपकी तरह मुझे भयंकर तेज लग रहा है। ठीक है, ये बीच में 10-15, 15-5, 5-8, 8-12 के कलेक्शन तो कई बार आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। ये बुल मार्केट 2026-27-28, अब इतनी दूर की बात नहीं करते हैं, पर मेरे समझ में 31 दिसंबर 2023 तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब बीच में 5-10, अब उसमें होता क्या है सर, जैसे मैंने अभी ये घोड़े वाली कहानी सुनाई ना, ये अब मान लो आप सारे का मांगो ले लो, क्यों छोटा भैया अपन ने 900 में चाहे आधा बुक करो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत स्ट्रेटेजी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, पर सर वो पैसे का किया क्या अपन ने, रहे तो स्टॉक मार्केट में ही, स्टॉक मार्केट में तो छोड़ा ना, और उसने 900 रुपए में ये तो नहीं कहा कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, उसने कोई अपना वीकली या कोई भी लो नहीं छोड़ा, मैंने भी छोड़ा, ऐसी बात नहीं है मैंने बुक नहीं किया उसमें, पर मैं ये सोच रहा हूँ यार वो स्ट्रेटेजी में अपने घोड़े तो छूट रहे हैं, अब पीछे पंती के आ रहे हैं, वो खच्चर आ रहे हैं अपने पास, और लास्ट में रह जाएंगे गधे, और वो गधे सबसे पहले मुड़ेंगे लास्ट में जाकर के। तो अब क्या है सर, अब पैसे मान लो आप सारे गमा के मान लो 100 शेयर लिए थे, अब उसमें 900 रुपए में बेच दिए, 90,000 खाली हो गए, रहे तो स्टॉक मार्केट भी ना, और वो 900 रुपए से हो गया 3500 रुपया, और जो 90,000 लगाए उसके 3500 रुपए नहीं किए सर अपन ने, वो खच्चर खच्चर के हिसाब से चलते हैं, घोड़े घोड़े के हिसाब से चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर अच्छा एक चीज और है ना सर, एक चीज अपन देखते हैं, अपन 20 स्टॉक 25 स्टॉक 30 स्टॉक या 12 स्टॉक, मेरा आपको बोलता हूँ सारे का मापा हमें क्या हुआ था, मैंने लगभग 400 लिया था, 460 का रेट से, तो मैंने भी वो 950 के आसपास बुक किया था, लेकिन मेरे पास अभी भी 200 फ्री शेयर पड़ा है। वो ठीक है सर, वो बेटर है, पर सब एक सपोज करो अगर वो 400 में 400 रहते तो पैसे तो इसी में दूसरे ले लिए। नहीं, पैसे तो वही है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोडपेन लैब मैंने 32 में एंट्री किया था, ठीक है, तो मैंने लिया था कितना 5,000 के आसपास लिया था, तो अभी मैंने जैसे जिस दिन हाई दिया था ना 71 का, मेरा एक उसूल है 100% देगा तो मैं उसमें बुक करूंगा ही करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट पसता नहीं उससे ज्यादा मेरे से। तो मैंने क्या किया था, 2,500 मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो 2,500 निकाल दिया, और जो 2,500 पड़ा है देखो वो तो क्या है अभी भी उधर ही 4-5 महीना हो गया, ठीक है, मैं वो पैसा मान एल्यूमिनियम में लगाया था, मान एल्यूमिनियम में क्या हुआ 1 वीक में 60% दिया, उसके बाद तो कंसोलिडेशन में ही जाएगा 4-5 महीना, तो उसमें निकल जाओ, तो मेरा नेक्स्ट वीक तक मान एल्यूमिनियम भी फ्री हो गया। उसके बाद वो पैसा मैंने लगाया रामा फॉस्फेट में, एकदम मेरे को याद है क्योंकि वही पैसा मैं सर्कुलेट कर रहा था, तो रामा फॉस्फेट भी हो गया 150% दे दिया, लेकिन उससे मैं पैसा निकल लिया। अभी दूसरा बद्धवान स्पेशलिटी स्टील में लगाया, वो भी अभी 20-22% प्रॉफिट में है, लेकिन उसमें अभी तक मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मैंने ये बोला हुआ 4 महीने का कहानी, मेरा पैसा कैसे घूमा, ठीक है, मोर पेन तो वही का वही पड़ा है और भी नीचे आया, अभी तो 58-60 पे है। नहीं सर, ये जो पैसे घुमाने वाला है ना, ये मान लो समझ लो आप अगर बात करें ना ट्रेडिंग वाले शेयरों में, अभी अपन ने तो अभी मान एल्यूमिनियम में क्या हुआ सर, उसमें मेरा जो फ्री शेयर स्टॉक था ना उसमें भी मेरे को 1:1 बोनस मिल गया, वो भी डबल हो गया। ठीक बात है। और बोनस डिक्लेयर होने के बाद वो छूटता है तो वो थोड़ा भागा, तो मेरा लगभग मान एल्यूमिनियम क्या है अभी मेरे को मतलब जो खरीदा हुआ पैसा है ना उसके आसपास ही आ गया फिर से। हाँ वो तो ठीक बात है, एक हफ्ते के अंदर ही अगर उस इतना मूवमेंट आ जाता है ना तो वो तो स्टॉक देखो वो तो वापस या तो नीचे आना है या फिर वो प्राइस कुछ टाइम वाइज करेक्शन देना है। अब ये तो है नहीं कभी वो तो मतलब ये बोल रहा हूँ मतलब क्या है देखो सर, ऐसा मार्केट में 1% लोग भी नहीं होगा, 1% तो मैं बहुत बोल दिया, 0.1% लोग भी नहीं होगा जो स्टॉक का एकदम लास्ट मोमेंट तक रह सकता है, मैं भी नहीं रह पाता हूँ।
लेकिन मैं कैसे रहता हूँ, ये फ्री स्टॉक हो जाता है ना, तो मेरे मेरे को मतलब साइकोलॉजिकली बेनिफिट मिलता है, ये कुछ भी है मार्केट में मेरे को तो फ्री स्टॉक मेरे को नहीं निकलना है, वो सही बात है। और देखो वो तो पैसा देता है, तो ये होता है मेरा जो साइकोलॉजी टोटली इतना ये है, मतलब मैं फ्री स्टॉक रख देता हूँ तो मेरा एकदम, जैसे इस मार्केट में भी मेरे को जो खराब लग रहा है मैं कौन सा निकला, जो जीरो जीरो पे है, मतलब जो 2-4% प्रॉफिट लॉस में है, वो क्या है, मैंने तो 2-4% प्रॉफिट लॉस वाला जो है उसमें क्या है, चलो हाँ कुछ तो सोच के कुछ एनालिसिस करके एंट्री किया था, लेकिन मेरे को पता है मैं नेक्स्ट वीक बैठूंगा तो ऐसा स्टॉक मेरे को और भी 5 मिल ही जाएगा, मेरे को एग्जिट करने में उसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन रख के वो अगर 10-15% करेक्शन देके मेरा स्टॉप लॉस हिट होए तो मेरा 10-15% तो लेकर जाएगा ना, ये ठीक है, ये तो आपको इंडेक्स में देखना ही पड़ेगा, तो ठीक है जो आपने लिटे ये वो वाला रख देता हूँ जो मेरा 15-20% प्रॉफिट में है वो मेरा रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि वो करेक्शन होगा 15-20% होगा तब भी मेरा खरीदा हुआ पैसा को शायद कैच नहीं कर पाएगा, वो गुंजाइश है ना उसमें, मान लो भाई इतना ऊपर है ना वो स्टॉप लॉस से तो उसमें बड़ी गुंजाइश है, मान लो बाजार भी करेक्ट होकर के मान लो 1000 पॉइंट की करेक्शन भी दे दे तो भी वो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा उसमें, और मतलब अगर ऊपर चल पड़ा तो फिर वो अपने पास है 20% ऑलरेडी ऊपर है, मेरा स्टॉप लॉस और भी 10-15% नीचे है तो 35% का हो गया, 35% का करेक्शन उतना आसानी से होता नहीं है। सही बात है, पर वो जो वो अगर मान लो हो जाए ना सर, ज्यादातर आदमी वो जो सर वो होता है ना वो स्टॉक और कभी घूम के नहीं खड़ा होगा पर ज्यादातर उसमें निकल जाते हैं वो 20, करे यार मैंने तो गलती कर दी, 20-25% आ रहे थे, अभी दे रहा हूँ जो स्टॉक ना जो इस मार्केट में स्ट्रॉन्ग है वही स्टॉक दे रहा हूँ मैं। ठीक बात है, जैसे नेल को देखो मैंने उस दिन दिया था इस मार्केट में स्ट्रॉन्ग बोल के, क्या चल गया उसके बाद 2-10% का सर्किट, 2-5% का सर्किट लग गया। अरे उसमें तो सर बहुत बड़ी न्यूज है, वो एक्चुअली मैंने अभी ध्यान किया, मैंने कहा यार अपन ने ये शेयर नहीं की थी, ये उसमें जबरदस्त न्यूज है, मैं अभी उसमें करूंगा ग्रुप में, भाई बड़ी बड़ी भारी न्यूज है उसमें तो नेलको में, मतलब ये टाटा ग्रुप के जो शेयर है ना ये तो मतलब कमाल ही कर रहे हैं ये। देखो हिंदुस्तान में एक्चुअली मैं डिप डाउन तो नहीं किया, चार्ट अच्छा लगा, उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट पेंडिंग है चार्ट के हिसाब से, तो मैंने उसलिए दिया था डिग डाउन, तो ये टाटा ग्रुप का है, टाटा ग्रुप का ही तो है सर नेलको, कुछ गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है इसमें, बाकी टाटा ग्रुप के पास है, बड़ा वाला नेलको की बात कर रहे हो ना आप? नहीं नहीं मैं एल्युमिनियम वाला नहीं बोल रहा हूँ, 400-500 रुपए वाले का कह रहे हो ना आप? हाँ वो टाटा ग्रुप का ही है सर, और उसमें कुछ गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है बाकी टाटा की है। अच्छा वो मैं वो उसकी न्यूज आपको अभी मैं वो उसमें भेजूंगा ग्रुप में, उसमें बड़ी जबरदस्त न्यूज लगी हुई है। अच्छा नेटवर्क सिस्टम एंड ऑटोमेशन कंट्रोल, तो मतलब वो तेजस नेटवर्क को जो लिया उसके साथ कुछ होगा। हाँ बिल्कुल तेजस, देखो ना सर 100 रुपए से 450। एक्चुअली मैंने लिया है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोजर इसलिए ले लिया, 200 करोड़ का सेल्स है पूरा साल में। ये तो सर ठीक है, बिल्कुल बात आपकी सही है, पर इसके बारे में अरे ये मतलब इनके हो सकते हैं एक्चुअल में क्या है सर, देखो आज ही अगर मोदी जी का भाषण सुनो ना आप तो उसमें एक निचोड़ निकलता है सर, पुराने भाषण भी सुन लो या कुछ भी सुन लो, गवर्नमेंट से 100 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात किया। हाँ वो तो किया ही किया, एक चीज देखो सर, चाहे गवर्नमेंट आगे बीजेपी क्या है कांग्रेस क्या है। ये तो सर ये तो शायद तब वो होगा जो ई व्हीकल है उसलिए, देखो इसका प्रमोटर है टाटा पावर। हाँ टाटा ग्रुप की है बिल्कुल ये देखो टाटा पावर मतलब, और इसका जो प्रोडक्ट्स जो दिख रहा है एक्चुअली देखो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्क सिस्टम एंड ऑटोमेशन कंट्रोल, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो चार्जिंग है उस सिस्टम में शायद काम करेगा। हाँ उसमें काम करेगा ये ई व्हीकल में, आज ही मोदी जी ने ई व्हीकल के बारे में बड़ा अच्छा बोला है। एक्चुअली होता क्या सर, देखो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी देश में जब इकोनॉमी बढ़ती है ना उसकी, तो अपन को तो लगता है यार नॉर्मल अपन बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट तो टाटा अंबानी अडानी बिड़ला टाटा के लिए काम करती है, ऐसा नहीं होता सर, चाहे गवर्नमेंट कोई भी पार्टी की हो, ये इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर कम से कम 10-15 घराने ऐसे होंगे जिनकी मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर होगी। ये खाली रिलायंस ही है अभी तो उसमें 15-16-17 बिलियन जो जिसके वजह से 16,000 करोड़ टिकी है, ठीक है ना, इसके अंदर 10-15 कंपनियां होगी
10-15 कम से कम 10-15 होगा। ये तो इंडिया का क्या है, आप अगर देखोगे ना अभी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। एक तो अभी जो बड़ा जो दादा लोग होता है मतलब यूएस यूरोप ये सब, वो लोग अभी सीरियसली थिंक कर रहे हैं चाइना के ऊपर। क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है चाइना दादागिरी दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। बात यही है कोविड का सबसे बड़ा इफेक्ट चाइना में फर्स्ट आया था और चाइना पूरा वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब है, तो उसके लिए पूरा वर्ल्ड का प्रोडक्शन सिस्टम ब्लॉक हो गया था। तो अभी जो बड़ा दादा लोग होता है ना, वो लोग अभी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन हब का सोच रहा है। तो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन हब क्या है, इंडिया छोड़ के कोई हो नहीं सकता, भले ही ताइवान बहुत आगे है, ताइवान बोलो वियतनाम बोलो, लेकिन उन लोगों के पास वो नहीं है जो इंडिया के पास है। वो क्या है, वो चीप मैन पावर, ठीक है। और तो इसके लिए क्या होगा, जैसे जैसे इंडस्ट्री आएगा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भयंकर खर्चा होगा। और ये बताया जाता है एक रोड होता है ना, रोड होने के टाइम 4 आदमी को काम मिलता है, मिलता और रोड जब बन जाता है ना उसमें 400 आदमी को घर चलता है रोड बन जाने के बाद, बिल्कुल चलता है। तो ये जो आएगा ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये होगा, तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। दूसरा है फार्मिंग बिल, वो कितने भी प्रोटेस्ट कर लो आज नहीं है तो कल वो होने वाला ही है। सर आज बोल दिया ना फिर मोदी जी ने, हम इसको नहीं हटाने वाले हैं। अब 15 अगस्त में लाल किले से बोलना मामूली बात नहीं है, आज बोल दिया ना वो, हम उसके उसके वो करना ही पड़ेगा सर। आप कितने ये लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं मोदी जी को, लेकिन मेरे को तो लगता है ये बंदा जो कर रहा है कंट्री के लिए अच्छा है, इसके पहले कोई कर किया नहीं। नहीं सर देखो दो चीजें हैं, अगर आपने मान लो आज कोई कदम बढ़ाया, अब जैसे मान लो अपन स्टॉक मार्केट में ले लेते हैं, मान लो चलो कल एक मैंने वाटीलाल का चार्ट शेयर किया था, ठीक है ना, अब उसमें कदम तो अपन ने अपन को बढ़ाना पड़ेगा, गलत होगा या नहीं होगा वो तो अपने को भविष्य में बताएगा ना। वही है ना सीना, मतलब सीना एकदम चीन का पूरा लेता तो है डिसीजन, वो गलत कर सकता है लेकिन डिसीजन तो लेता है ना, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना सर। आखिर आपको कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, आपको कदम में आगे कहीं गड़बड़ लगेगी तो उस डिसीजन में थोड़ा हेर फेर बदल कर देंगे, क्या नहीं भाई अपन इधर कंक्रीट का रास्ता है, इधर से नहीं इधर से चलते हैं इस साइड से, तो वो तो ये नोटबंदी जो हुआ था, नोटबंदी अच्छा है बुरा है वो नहीं उस डिबेट में नहीं, लेकिन खुद अपने ऊपर तो लिया था ना, लिया ना सर, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है सर। आज तक का विश्व का इतिहास है जिस जिस देश में जीएसटी लगी है ना और जिस जिस देश ने नोटबंदी की है उसके बाद में वो पार्टी की सरकार आई नहीं अगले 5 साल के लिए, उसके बाद तो आ गई होगी। तो इस आदमी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, अपने अपने पेड़ों पे कुल्हाड़ी मारना हो गया ना भी। नोटबंदी आप कहीं भी लगा लो विश्व में, कई देशों में नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के बाद में वो सरकार ही नहीं आई। भारत में पहले हुआ था तो खाली एक नोट बंद किया था, वो मोरारजी देसाई ने किया था ना, किसने किया था, तो सिर्फ एक बड़ा वाला नोट जो 5,000 का कितना ज्यादा चलता था वो बंद किया था। और इस आधे और जीएसटी जहां जहां आई है वो वहां भी वो सरकार नहीं आई है। तो इसने दोनों ही तो 2019 से चुनाव से पहले डिसीजन लिया ना ये। तो अब आप ये समझो कि डिसीजन लेने में तो ये आदमी मास्टर है, अगर ठीक है लेने अच्छा लेना ही पड़ेगा सर। जो इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं उससे डिसीजन लेके कोई क्वेश्चन नहीं रह सकता। देखो और दूसरी बात है, हम लोग तो छोटा मोटा बात है, आप राकेश झुनझुनवाला का कोई भी इंटरव्यू देख लो, वो बोलते हैं अभी मैंने लाइफ का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फेज में हूँ, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है 2029 तक मोदी रहेगा, कोई हटा नहीं सकता। दूसरी बात है ये गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम मैंने इतना साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को ये गवर्नमेंट जो कर रहा है ऐसा कोई गवर्नमेंट को करते हुए नहीं देखा मैंने, इंडिया के लिए जो अच्छा है वही कर रहा है। बिल्कुल सर 18-18 लोग तो समझते नहीं, वो तो कितना बड़ा आदमी है, वो अगर ऐसा बात बोल रहा है तो मतलब जी एक चीज और है ना सर, आप पॉलिटिकली एक चीज हमेशा समझ नहीं है। देखो मोदी जी 2029 तक रहे या नहीं रहे, प्रधानमंत्री कोई और आ जाए, पार्टी बदल जाए, जो चीजें देश के कानून में बन जाती है ना सर, वो चीजें कोई भी कांग्रेस पार्टी आ जाए तो जब वो पार्टी में आ जाएगी ना तब उसको भी उस तरीके से काम करना पड़ेगा। अब ये जरूर है कि अभी जैसे मोदी जी 18-19 घंटे काम करते हैं, मनमोहन सिंह जी थे वो 5-7 घंटे 8 घंटे काम कर पाते थे, उनके हजारों बीमारियां लगी हुई थी या समझ लो उनको करने नहीं देते थे, तो वो एक अलग बात। बाकी
पुरानी जो वाजपेयी की जो नीतियां थी उसमें तो ज्यादा फेरबदल मनमोहन सिंह जी ने भी नहीं की, मोदी जी भी है तो मोदी जी ज्यादा बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं, तो अब पुराने कानून है ये फालतू की चीजें है ये वो है वो है सब निकालने हैं ना। एक चीज सब बताता हूँ आपको मैं, अभी कोविड काल के बाद में 45 इंडस्ट्रीज चाइना से आपके क्या बोलते हैं इसको टेक्सटाइल मिल गई, ये वहां से निकली है बड़ी मिले बड़ी फैक्ट्रियां, इंडिया में एक भी नहीं आई है, ठीक है ना। ये इनको समझ में तो आ गया ना, क्या हमारे यहाँ क्यों नहीं आई, हमारे यहाँ कॉटन हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ जमीनें हम देने के लिए तैयार है, बाकी सब फैसिलिटियां यहाँ पर है, यहाँ पे क्यों नहीं। लास्ट 5 साल में भी जितना चाइना से निकला उसका 1% भी इंडिया में नहीं आया। तो अब इनको समझ में आ गया ना सर, ये जो रेट्रोस्पेयर टैक्स जो हटाया है ना, ये मतलब इसका पहला स्टेज है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है जो इन्होंने किया है, ये कारण इनको समझ में आ गया यार 45 इंडस्ट्रीज में एक भी नहीं आई, और जबकि इंडिया की 3 बांग्लादेश में जाके लगी है फैक्ट्रियां टेक्सटाइल में लिए, तो क्या यार यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो ये चीजें इनको समझ में आ रही है और ये गवर्नमेंट काम भी कर रही है, अब ठीक है उसमें थोड़ा समय तो लगता है। गोयल साहब को किया है उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर, हाँ पीयूष गोयल को किया है ना, तो इनको समझ में तो आ गया कभी ठीक है यार ये उन्होंने बोला नेक्स्ट 5 साल में टेक्सटाइल का कैपेसिटी 5 times होगा, 10 times बोल रहे थे कि एटलीस्ट, हाँ वही 10 times चलो जो भी है, मतलब उसका प्लान तो है। ये बड़ी लंबी ग्रोथ स्टोरी है सर, बहुत लंबी ग्रोथ स्टोरी है, बहुत लंबी, और ये बहुत लंबी जाने वाली है। अभी हम लोग क्या है, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक एंड पे हूँ, क्वालिटी का हेड हूँ, तो मेरे को क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, और पहले क्या आता था, पहले हमारा 30-40% डोमेस्टिक चलता था, अभी मुश्किल से 5-10% डोमेस्टिक चल रहा है। जो कंपनी जो अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा ब्रांड है ना यूएस का, फिलिप बैनुसन ठीक है, टारगेट रिटेलर है, और एक है आपको टाल अपैरल बोल के, वो कन्वर्टर है, वो कोई ब्रांड नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गारमेंट कन्वर्टर है, सारे ब्रांड्स के लिए बनाता है। ये लोग कभी चाइना का बाहर मुश्किल से आया, वो लोग हमेशा से 90-95% उन लोग का चाइना से लेता था। अभी इंडिया में आना है ना कोई कंपनी को, सबसे पहले 2 कंपनी को वो लोग प्रिपेयर करते हैं, एक है अरविंद, दूसरा है बर्धमान, दूसरा बर्धमान ठीक है। तो अभी जो है हमारा देखोगे ना, हमारा 20% ऑर्डर पीवीएच का चल रहा है, जिसका हम लोग कभी देखा भी नहीं ऑर्डर। अभी हमारा मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर, top 5 कस्टमर में आ गया, तो मतलब ये लोग चाइना से बाहर कभी किया ही नहीं है। तो वैसा लोग अभी इंडिया में मतलब दे रहे ऑर्डर, मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्री का ही बात कर रहे हो, तो सारे इंडस्ट्री में ऐसा ही होगा, सारे में सर। एक चीज देखो कि ये जो वो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनी है ना जो बड़ी वाली, वो 20,000 क्या नाम है उसका, अब तो स्प्लिट होकर के वो 5,000 रुपए हो गई, डिक्सन डिक्सन टेक्नोलॉजी सर। उसमें एक चीज देखो आप के वो क्या करती है, वो तो सबको पता है, कभी बना बना करके देती है ना दूसरे ब्रांड को, चाहे एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, जो वर्क करता है, जो वर्क करता है ठीक है ना सर। अब एक चीज देखो आप सर, जो वर्क में उसके पास सारी टेक्नोलॉजियां तो है, अगर वो कुछ भी बना सकता है, उसको तो जो वर्क ही करना है। अब ये कोविड के टाइम से लेकर के ये लोग बात कह रहे हैं यार ये इतना क्यों बढ़ गया, इतना कैसे हो गया, ये तो फालतू की बातें हैं यार, ये तो उसमें गफले होंगे यार, आगे जाके देखना ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। सर एक चीज को समझो, आज मोदी जी ने लाल किले से बोला है कि हम लोग 8 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज उसमें इंपोर्ट में तो कमी आई है, हम 3 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यही चीज रेडीमेड गारमेंट में या ये आपके टेक्सटाइल मिलों में जॉब वर्क वाला काम आ गया, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी 10 times हुआ है सर, और अभी पता नहीं है कितने टाइम होगा, तो इनमें नहीं हो सकती क्या 2-4 कंपनियां, ये भी तो बना बना करके देती है। मतलब जो जो अपन टेक्सटाइल में बहुत बड़ा ग्रोथ स्टोरी आ रहा है बैंकर। एक तो ये मतलब अगर ये मान लो कोई कंपनी जो वर्क करने लग जाए अपना 5-7-8% का, उसके भले कोई ब्रांड हो, उसको तो मिल रहा है ना अपना पैसा, अब वो बिके नहीं बिके वो अगला जाने, अपने को तो अपना काम पक्का हो गया। इसके अंदर मान लो कोई भी कंपनियां जो वर्क में आ जाए, और भारत में ये कैपेसिटी है, हमारा जो है ना अभी मैं सामने से देखता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो अरविंद का बहुत बड़ा स्टोरी बनेगा,
क्योंकि पीवीएच का जो है ना, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, जो क्वालिटी सिस्टम है डेवलपमेंट स्टेज पे ही वो लोग इतना स्ट्रिक्ट है ना, उसका डेवलप एक प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन में ले जाना बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट स्टेज पे इतना झिकझिक है ना, 10 बार तो लेता है अप्रूवल के लिए, 10 बार कपड़ा भेजना पड़ता है डेवलपमेंट करके, उसके बाद एक अप्रूव होता है। तो बद्धोमन क्या है, बीच रास्ते से ही दम छोड़ दिया। अच्छा, ये नहीं हम लोग बना नहीं सकते। तो वो लोगों को क्या मिला, इजी इजी 2000 प्रोडक्ट ही मिला, जितना क्रिटिकल प्रोडक्ट है पीवीएच का सब अरविंद के पास ही आया, क्योंकि अरविंद वो छोड़ा नहीं बीच रास्ते में, हम लोग छोड़ा नहीं, हम लोग कैसे भी डेवलप करके दिया उसको। तो जो जो प्रोडक्ट उसने जितना प्रोडक्ट हम लोग को दिया था ना, 100 दिया था, उसमें से हम लोग मतलब 30 से 35 ही कर पाया, बाकी कर नहीं पाया। लेकिन बद्धोमन किया तो 2-3 ही कर पाया, लेकिन जो 30-35 प्रोडक्ट मतलब किया ना, हर एक का 50,000 का ऑर्डर आ रहा है पर मंथ। अच्छा, और रेगुलर आ रहा है, वो तो रेगुलर ही आएगा, वो तो ठीक बात है। तब तो दादा मैंने ऑर्डर देखा नहीं, हम लोग क्या गैप, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है गैप, ठीक है, उसका रेगुलर कस्टमर है वो लोग, हमेशा पूरा वर्ल्ड वाइड जितना मतलब उन लोगों का सेल है उसका ऑलमोस्ट 80% तो अरविंद से लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो लेकिन गैप का भी इतना रेगुलरिटी में नहीं आता जितना पीवीएच का है। तो दादा ये शेयर स्टॉक में डिफरेंस क्यों नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा कुछ मोमेंटम या फिर स्टॉक में? आपको अरविंद तो 18 रुपया गया था लोअर, वो तो 110 रुपया हो गया, अभी कितना मोमेंटम चाहिए आपको? नहीं, उसके बाद जैसे डिक्सन में मिला होगा ना आपको, एक दिन में थोड़ा ही होगा आपको। नहीं, हाँ वो तो एग्री कर रहा हूँ, 18 रुपए से 120 रुपया हो गया, 10 टाइम हो गया बॉटम से। जी जी, और संदीप सर ने बोला ना अभी कि जैसे एक्चुअल वो जो 18 रुपए मतलब जैसे बात हो रही थी कि 2 रुपए चले, अभी भी डोमेस्टिक मार्केट खुला नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारा अभी बीच में एक साल तो ऐसा था जो हम लोग 50% कैपेसिटी में चलाया, वो लास्ट ईयर मार्च के बाद जब खोला ना, मतलब मई में, उसके बाद से ये जनवरी तक हम लोग 50% कैपेसिटी में चला, अभी प्लांट भर रहा है, और वो भी डोमेस्टिक का ऑर्डर अभी भी नहीं है हमारे पास। प्लांट तो भरा हुआ है लेकिन उसका 90-95% एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, और हमारा क्या होता है मार्जिन एक्सपोर्ट का ऑर्डर में ही रहता है, भले ही वो क्या होता है गले का काटा होता है, आप टाइम पे नहीं दे पाओगे ना, आपको गारमेंट एयर फ्रेट देना पड़ेगा, कपड़ा बाई एयर भेजना पड़ेगा, लेकिन आप टाइम से दे पाओगे ना आप बाजी मार के जाओगे, ये होता है एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो अरविंद अभी वही कर रहे हैं, इसका फ्यूचर तो बहुत ही मेरे को दिखता है, ठीक है। दूसरा अरविंद का जो है वर्टिकल सेटअप ये लोग बना लिया, ये लोगों का फैब्रिक का प्रोडक्शन लास्ट 20 साल से देखोगे, फैब्रिक का प्रोडक्शन जो है उसका ओनली 5-10% गारमेंट का कैपेसिटी था, अभी अरविंद के पास ऑलमोस्ट 50% का गारमेंट कैपेसिटी है, जो बेंगलोर में 3-4 बेंगलोर में एक्सपेंशन किया, वो लोग झारखंड में एक्सपेंशन किया, सब जगह पे किया गारमेंट का। तो अभी बड़ा बड़ा जो ब्रांड होता है ना उसका वर्टिकल सेटअप बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो लोग अगर कपड़ा खरीदने के लिए एक टीम रखेगा, गारमेंट खरीदने के लिए एक टीम रखेगा, तो वो लोगों को भी कॉस्ट में वो बैठता नहीं है। अभी कोई कंपनी के से ऑर्डर चाइना क्यों इतना आ गया है, चाइना का वर्टिकल सेटअप है सब, वो लोगों से हाँ चलो चलो तुमको इतना पीस गारमेंट चाहिए, तुमको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ गारमेंट अप्रूवल दो, कपड़ा हम लोग कैसे भी बना के गारमेंट का, तो उसको भी टीम कम हो गया। जैसे हम लोगों को कपड़ा बना के देते हैं ना पीवीएच का, जैसे डेवलपमेंट टीम फैब्रिक का डेवलपमेंट टीम के साथ पहले काम करना पड़ रहा है, उसके बाद सोर्सिंग टीम के साथ काम करना पड़ रहा है, माल डिलीवरी हो रहा है या नहीं टाइम पे, उसका क्लेम का ऐसा वैसा सब कुछ, उसके बाद वो दूसरे कहाँ पे ले जाके गारमेंट बना रहे। लेकिन अभी सामने से कोई अगर गारमेंट ही बना देगा तो उसका तो फैब्रिक जो डेवलपमेंट टीम हो, फैब्रिक सोर्सिंग टीम है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहा, डायरेक्ट गारमेंट जो डेवलपमेंट टीम है और गारमेंट सोर्सिंग टीम है वो लोग ही काम करेगा, उसको भी कॉस्ट कटिंग हुआ ना। तो वर्टिकल सेटअप इसलिए पसंद है, चाइना टेक्सटाइल में आगे है इसलिए है, और इंडिया अभी सीरियसली यही सोच रहा है, और टेक्सटाइल में मूव नहीं आया। कौन बोला टेक्सटाइल का कोई भी कंपनी उठा लो, लास्ट 3 महीने में 3-4 गुना करके मूव दिया सब। 3 महीने में सर, आप पिछले अगर इसको वास्तव में एप्पल ने एक बार पहले पकड़ा था, करीबन 7-8 महीने हो गए, अब वहां से यहाँ लगा के देख लो सर, मतलब जो जो क्रीम क्रीम कंपनी है ना उनके भाव क्या हो गए सर वास्तव में, मतलब और उसमें लोग बैठ गए ना, पता नहीं क्या भाव होंगे उनके।
बैठे रहना है, मतलब इतने जबरदस्त इसमें मुझे लग रहा है कभी। अच्छा एक चीज और है ना सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में ये जो टेक्सटाइल कंपनी है ना, यही सबसे ज्यादा नौकरियां देती है इंडिया के हिसाब से। हाँ, फार्मिंग के बाद सबसे ज्यादा जॉब किसी में होता है वो है लॉजिस्टिक्स, ठीक है, लॉजिस्टिक्स से बाद अगर किसी में होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और यहाँ तो नौकरियां तो इनको पैदा करनी है, और प्लस वो पूरा वर्ल्ड का जो एनवायरमेंट है वो भी अपने पक्ष में जा रहा है। अच्छा भारत की तो पकड़ है ना सर, यहाँ तो घर घर में रेडीमेड गारमेंट बना सकते हैं लेडीज लोग, बनाते ही है, अपना घर खर्चा चलाते हैं अपनी। सर जैसे एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मेरे यहाँ एक आदमी काम करता है मेरी शॉप पे, तो वो क्या करता है सर, ये पेटीकोट होते हैं ना जैसे आपके ये कपड़े आते हैं उसके एक पेटीकोट बनता है, ठीक है, तो वो यहाँ से रोज के 50 पीस ले जाता है, उसकी कटिंग करता है और उसकी मिशे जो है उसकी सिलाई कर देती है, 5 रुपए पर पीस के वो उसको देते हैं और 1 रुपए कटिंग में देते हैं, 6 रुपए, अब 50 पीस के वो रोज रोज काम करता है। तो यहाँ हम लोग भी, मेरी जब छोटा था तब तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना थे ही नहीं था, मेरा मम्मी भी करता था एक सिलाई मशीन लगा के घर पे। तो ये अपने इंडिया की तो क्या है, ये वो सोच में ही है ना, अगर रेडीमेड गारमेंट की अपन बना सकते हैं ये चीज हो सकती है, तो इसका स्कोप बहुत मतलब जबरदस्त लग रहा है। अब ठीक है अगर थोड़ा करेक्शन आ जाए तो कुछ लोग ये आप बोल रहे हो, इधर से कौन अभी बोल रहा था ये मूव तो नहीं आ रहा है, मूव इतना ही, अरे लोग आपको बैंक में कितना मिलता है, 6% मिलता है फिक्स डिपोजिट पे, आपको 20% का भी मूव मिले ना वो बहुत बड़ा होता है। मूव मतलब ऐसा नहीं है जो 2 महीने में 10 गुना हो गया है, मूव मतलब ऐसा होता है आप 3 साल पकड़ के रखो आपको 5-6 गुना मिला तो उसको बड़ा मूव बोल सकते हैं, ऐसा नहीं जी एक दिन में मूव हो जाएगा। सही बात। और सर आप किसी भी टेक्सटाइल कंपनी का जितना भी अभी आप कोई भी स्क्रीनर में देखेंगे, जो हमारे पास इंडो काउंट है, अरविंद है, नितिन स्पिनर है, सतलुज है, अंबिका कॉटन, मतलब काफी सारा कंपनी का आप लोगों ने दिया है, आप देखिए ये सारा कंपनी में दिया था मेरा भाई, एक ग्रुप में 67 या 68 रुपीस में मैंने दिया था इंडो काउंट। करेक्ट सर। तो आप देखिएगा कि दिसंबर मतलब नवंबर दिसंबर 2020 में FIA ने अपना स्टेक रिड्यूस किया था ये सारी टेक्सटाइल कंपनियों में, लेकिन जून 2021 से सबने वापस एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया। आप ये जितनी कंपनी मैंने बोली है किसी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, सब में 0.2% 1% FIA ने अपना स्टेक जून 2021 में बढ़ा लिया। तो बड़ा पैसा अगर बढ़ा रहा है उसमें स्टेक खत्म करने के बाद, मतलब कुछ कंपनियों में तो 0% हो गया था। तो क्या है, आप आपका स्टेक रिड्यूस नहीं करते हो, आप इतना छोटा इन्वेस्ट करते हो तो करेक्ट हमारा तो नहीं रिड्यूस करते, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वो तो पैसा तो सर्कुलेट होगा ही होगा। हाँ, तो अगर उनको ही मतलब वो तो बड़ा पैसा है ना, अगर उनको ही भरोसा नहीं है कंपनी में तो वो मतलब क्यों लगाएंगे 1% उस कंपनी का लेना। मतलब आप अगर देखोगे उस टाइम क्या होता है, बॉटम से जो लगाया वो भी 5 गुना हो गया था उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो वो तो प्रॉफिट बुक तो करेगा, वो थोड़ा पूरा जिंदगी भर के लिए रखेगा उसका अपना पैसा। तो आप लोग जो बोल रहे हो जो नेक्स्ट मूव है टेक्सटाइल में, मैं उस पर एकदम मतलब मेरा भी फोकस वही है। मूव नहीं है, मूव हो चुका है ऑलरेडी, कोई भी टेक्सटाइल का स्टॉक उठा लो देखो। हाँ, नेक्स्ट मूव हो चुका है ऑलरेडी, करेक्शन का इंतजार है। आप लोगों ने जो दिए थे मौका शायद मिलेगा करेक्शन में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, क्योंकि आपने मैक्सिमम कंपनी आपने दिए हुए थे तो मैं उसमें मतलब भागीदार हूँ जो रन में निकाला। टारगेट का देखो ना, 12 रुपये में भी दिया था, अभी कितना 22 रुपया है और अभी भी सर्किट लग रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या है, वो छोटा कंपनी है टायरेंट का, ऐसा कंपनी है जो टेक्सटाइल में पूरा का पूरा है, वो यान भी बनाता है, यान बेचता है, ठीक है, उसके बाद वो लोग टॉवेल भी बेचता है। टॉवेल का एक्सपोर्ट में इंडिया का सबसे ज्यादा वो ही है, वेल्सपन ग्रुप के बाद सेकंड पोजीशन में वो आता है। और टायरेंट का बड़ा बिजनेस और एक है, वो है पेपर में। तो अभी तो हमारा पेपर टेक्सटाइल दोनों ही बुलिश सेक्टर है। टायरेंट तो चलेगा चलेगा, मैं उसलिए सारे टेक्सटाइल कंपनी चल रहा था, टायरेंट बिल्कुल मूव नहीं दे रहा था, लेकिन मैं पकड़ के बैठा था। ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। वो सर ट्राइडेंट शायद कुछ अलग टाइप का पेपर बनाता है, अलग टाइप के रॉ मटेरियल से पेपर, ओवरऑल पेपर उसका पेपर जो है ना वो पंजाब के अंदर फैक्ट्री है, उसका पेपर बहुत शानदार है ट्राइडेंट का।
उस किसी के साथ मिलकर के है, पंजाब के अंदर एक प्लांट है उसका, और बड़ा शानदार पेपर है। अपन जैसे नॉर्मल यूज करते हैं ना, वो वैसा पेपर भी बनाती है, बाकी और भी बनाती होगी, पर वो तो मेरे मेरे ऑफिस में एक बार मैंने यूज किया था, पेपर बहुत बढ़िया है उसका, ट्राइडेंट का। शानदार ग्रुप है, काफी अच्छा ग्रुप है। दादा अमित बोल रहा हूँ, मेरा एक इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कस करना था। एक स्टॉक था अपना IGC, आपने सर ने बताया था, संदीप सर ने, और इंडिया ग्लाइकॉल तो का स्टॉक है सर। इंडिया ग्लाइकॉल मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ फंडामेंटल के हिसाब से, दोनों भी इथेनॉल ब्लेंडिंग का इसमें है। तो टेक्सटाइल के साथ ये जो अभी इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग, इथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा किसी को अगर मिलेगा, मेरे को लगता है वो प्राज इंडस्ट्रीज। लेकिन सर इंडिया ग्लाइकॉल का भी अभी दो बड़ा बड़ा प्लांट आ रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज आपको लॉकडाउन के टाइम पे देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पागल हो जाओगे, इतना रिसेंट डेवलपमेंट है उसका। वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, नीचे आएगा तो वो बहुत बड़ा मौका है प्राज इंडस्ट्रीज जो है। ओके, देखो इसका इस जगह पे जो आता है ना, रीसेंट डेवलपमेंट गया ऊपर। देखो इच हैज एंटर इनटू वेरियस पार्टनरशिप सच एज जीवो इंक्लूसिव क्या यूएसए फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो जो इथेनॉल बनाता है ना वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में जा सकता है। तो यूएसए का ये जेवो के साथ इसने वो किया, ठीक है। दूसरा जो है एक कौन सा है, सिकअप ई टेक्नोलॉजी, ये भी स्वीडन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स यूजिंग फॉरेस्ट की रेसिड्यू फीडस्टॉक। तो ये दोनों जो डेवलपमेंट है, देखो इसके पास अगर कुछ नहीं होता तो ये यूएस का और स्वीडन का कंपनी इसके साथ इतना बड़ा पार्टनरशिप में नहीं जाता था, ठीक है। और इस जगह पे देखो ये कमीशन किया 11 प्लांट ड्यूरिंग लॉकडाउन। आज आज मोदी जी ने भी बोला सर, फिर दो रहे हैं 20% एथेनॉल और रिन्यूएबल एनर्जी और आपके ये सोलर एनर्जी, कल से सब ये सब चलेगा, मतलब जबरदस्त बोला है। अच्छा इसमें सोलर एनर्जी में उन्होंने क्या बोला है सर, क्या 2030 तक 450 गीगावाट वो जितना भी है, क्या उसका हमारा लक्ष्य था 100, उसमें से 100 तो हमने समय से पहले पूरा कर लिया है। मतलब इतना बड़ा इसके अंदर एथेनॉल और ये जो ईवी अपने जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इसमें सारा ही मिला लो आप। ये गवर्नमेंट का मेरे को एक चीज देखा, जो भी टारगेट लेते हैं ना वो टाइम के पहले ही पूरा होता है। करते हैं ये काम करते हैं खुद तो करते ही करते हैं भाई, मेन आदमी है और दूसरों को भी नहीं तो भाई चल दूसरे को भी नहीं तो चल भाई अपने रास्ते चल, कोई बात नहीं है, तो तेरे से इतना काम नहीं होता है दूसरे को आने दे। सर एक चीज देखो आप, मतलब जनरली अपन मान लो यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, पीयूष गोयल क्या थे, रेलवे मंत्रालय में थे ना सर, कपड़ा मंत्रालय उससे छोटा है, उसको क्या बोलते हैं लोग, कहे यार पीयूष गोयल का कद घटा दिया, यहाँ वो गवर्नमेंट कद पे है ही नहीं। मतलब उसको अगर आप बॉर्डर तरीके से सोचो ना, वो कद की लालसा में नहीं है, वो कह रहे हमें काम करना है रेलवे। पुराने जमाने में क्या काम का, उसने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो लिया था वो इलेक्ट्रिफिकेशन का पहले गवर्नमेंट आने के टाइम पे, और आपको पता है 2019 तक टारगेट था, उसने 17 तक कंप्लीट कर दिया, जो हाँ सारे गांव में बिजली पहुंच गया। तो आप ये सोचो ना सर कि ये अगर मान लो कोई मंत्री का मतलब कद घटा दे तो अब लोग तो सोचेंगे अरे यार ये तो इसका कद घटा दिया, यहाँ ये कद के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए काम कर रहे हैं। मतलब मोदी जी की टीम है, टीम में ऐसे ही आदमी है, अब अगर वो उसके मन में आ जाए यार मेरे तो रेलवे मंत्रालय से मुझे कहाँ कपड़ा मंत्रालय में डाल दिया, तो उस वो विचार ही नहीं कर दिया गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जो है। अब ये तो अपन ही सोचते हैं यार इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उनको पता है कि पीयूष गोयल ने अब रेलवे में जितना काम करना था वो हो गया, उसको स्मूथली चलना है, वो तो कोई भी कर देगा, दूसरा भी ढंगा थोड़ा सा ढंगा आदमी होगा। अब इसको इसमें लाओ और इसमें लागे इसको एक पूरा एक लेवल तक पहुंचा दो, उसके बाद पीयूष गोयल को कोई और काम दे देंगे कि भाई अब तो इसमें हो गया, अब इसमें कोई एक कोई किसी को बिठा दो, अब तो एक पटरी पे चल पड़ी ना गाड़ी, चलने के बाद में तो
फिर इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है। शुरुआत में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए बोला है कि भाई आप आओ। और इसको भी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं निर्मला सीतारामन को, लेकिन निर्मला सीतारामन वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है, क्लास क्लास मिनिस्टर सर, अपने को लगता ही है बाहर से। मैंने तो फंडामेंटल के लिए मतलब उतना देखता नहीं, एक बंदा का एनालिसिस मैंने देखता हूँ, वो है सौरभ मुखर्जी। उसका एक बुक भी है, मतलब क्या नाम है अभी याद नहीं है, मार्सेलस का सर वो है, फंड मैनेजर है ना मार्सेलस, उसका कंपनी है। एक कमेंट आया था, बोलता है जब निर्मला सीतारमण को मैं देखता हूँ ना, मेरे को राहुल द्रविड़ का बात याद आता है, सब चला जाता है लेकिन अकेला बैटिंग कर रहे हैं। और जिसका मतलब काम पता नहीं लगता है लेकिन सबसे इफेक्टिव होता है सर, अपन बात करने में बड़ी आसानी होती है। ये कोविड जैसी स्थिति के अंदर इसको, भारत जैसे इतने भयंकर जनसंख्या वाले देश में इस स्थिति को बाहर लाना, ये कोई मोदी जी जैसा करिश्मा ही आदमी कर सकता है? नहीं तो सर अपन पता नहीं, लेकिन वो अपन... स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब वो क्या था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था सेवन वेव, लेकिन सेकेंड वेव पे थोड़ा धक्का दिया, लेकिन सेकेंड वेव को कितना जल्दी संभाला, बात ये है ना सर, बात यही है। और दूसरे सर उसमें एक देखो, अपन बैठे हैं मतलब ऐसी बात कर रहे हैं, सेकेंड वेव में कहीं ना कहीं दूसरा लोचा भी था। हाँ वो तो था ही, ऑपोजिशन का बहुत सारा लोचा था उसमें, वो लोचा था। सेकेंड वेव में आदमियों को मारा गया था जी, और इन्होंने ठीक है हिंदुस्तान में 200-500 आदमियों की, 1,000-5,000 लाख आदमी, दिल्ली का ही हुआ था ना ऑक्सीजन ऑडिट जब किया तब, एक्चुअली क्या था, दिल्ली गवर्नमेंट हर रोज बोला जो कितना 1,000 टन या तो कितना चाहिए, उसको एक्चुअली 200 टन के ऊपर जरूरत ही नहीं था, जरूरत में ऑक्सीजन ऑडिट में बाहर आया और उसमें उतना ज्यादा डिमांड ले लिया तो बाकी जगह से उसको देना पड़ा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सही है देना पड़ेगा, तो बाकी जगह में शॉर्टेज हो गया बाकी जगह। इसमें बड़ा पॉलिटिकल लोचा था, खैर चलो इसमें नहीं जाते हैं सर। दूसरा मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप अपना व्यू बताना सर। मुझे ऐसा लगता है ये जो अपने हॉस्पिटल जो बिजनेस है ना, ये इंडिया हब बन सकता है सर। उसले तो मैंने अपेलो हॉस्पिटल कितना देर पहले लिया और 40s उसके साथ, ये दोनों का बिजनेस में 40s अभी रिसेंटली लिया, ये दोनों का बिजनेस में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, लोग सिर्फ हॉस्पिटल बिजनेस में नहीं है, और ये दोनों का 50% हॉस्पिटल बिजनेस है, बाकी 50% जो है ना इंडिया का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, वो मेडिसिन शॉप, मेडिसिन रिटेल जो है आपका, देखना मेडिसिन रिटेल में अभी भी आप जो एरिया का छोटा एक दुकान है उससे ही मेडिसिन लेते हैं लोग। हाँ तो ये इंडिया, इसका 95% बिजनेस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, 5-10% सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसमें आप देखोगे सबसे बड़ा चेन अभी बना लिया एपेलो ने। मेरा एरिया का ही, मैं पहले भी बोला था जो 5 साल पहले जब इस एरिया में मैंने लिया था घर, मेरा 5 किलोमीटर का रेडियस में कोई एपेलो का शॉप नहीं था मेडिसिन का। आज के दिन में मैं 2 किलोमीटर का रेडियस में देखूंगा ना 5 एपेलो का मेडिसिन शॉप है। तो ये लोग चेन कैसे बना लिया, और दूसरा इस तरह का चेन बना रहा है जो वो है 40s भी है। आप भी आपका एरिया का 5 किलोमीटर का अंदर जाओगे तो एक 40s का मेडिसिन शॉप तो दिखेगा ही दिखेगा, और 40s का हॉस्पिटल भी अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा जो है, अभी भी हम लोग जो जाते हैं ना, देखना कोई लोकल कोई डॉक्टर चेंबर खोल के बैठ जाता है उसके पास ही जाते हैं हम लोग, और ये लोग वो डायग्नोस्टिक सेंटर भी जो डॉक्टर दिखाने का वो भी बना रहा है। भले ही इन लोगों का मतलब जो टोटल टर्नओवर है उससे बहुत ज्यादा परसेंटेज अभी भी रेवेन्यू नहीं दे रहे, लेकिन वो भी बना रहा है। तो आप देखो कोई भी जाओगे ना कोई भी जगह पे, जैसे मेरा ही खुद का मैं बोलता हूँ, मेरा कोविड के टाइम पे उतना सीरियस कुछ हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन आफ्टर कोविड मेरा निमोनिया हो गया था 10 दिन बाद। तो मैंने एक डॉक्टर के चेंबर पे गया, उसका भी छोटा मोटा एक हॉस्पिटल है, वो जब मेरे को बोला एडमिशन होना, एडमिट कर होना पड़ेगा, तो मैंने और उसके पास गया नहीं, मैंने सीधा जाके उधर चला गया जायडस में।
ठीक है, जायडास वाला वैसे डायग्नोस्टिक किया, बोला ठीक है तुम घर पे रिस्क ले सकते हो 3-4 दिन, क्योंकि उसके भी बेड का थोड़ा इशू था, तो बोला दे सकते हो बेड लेकिन 3-4 दिन एक बार देख लो तुम्हारा लंग्स उतना इफेक्टेड नहीं है। तो 3-4 दिन मैं क्यों जायडास में किया, क्योंकि मेरे को पता है जायडास के पास सारे सिस्टम है। तो ये लोग जब अपना वो डॉक्टर वाला चेंबर जब मैं देखूंगा ना एपोलो का बैंड में या तो फोर्टिस का बैंड में, मैं उधर ही जाना पेपर करूंगा। क्यों क्यों पेपर करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरा उल्टा सीधा कुछ होगा तो उन लोगों के पास सारे सिस्टम है। ठीक है, मैं नॉर्मल डॉक्टर जो चेंबर खुल के बैठे उसके पास जाऊंगा तो वो कहाँ पे रेफर करेगा, उस जगह पे जाके मैंने दूसरा टेस्ट कराऊंगा, फिर से और एक हॉस्पिटल में रेफर करेगा, उधर जाऊंगा। लेकिन इधर जाऊंगा ना मेरे को पूरा डायग्नोस्टिक मिलेगा, तो ये होता है। तो ये दोनों जो बैंड है ना, एपोलो हॉस्पिटल इसलिए डबल हुआ, मैं जब दिया 2300 का पीई था, अभी देखो अभी 40-50 का पीई है, सही है, स्टॉक भी डबल हो गया उस जगह से, हो गया। अब देखो सर इतना बड़ा पीई में फर्क आ गया, इतना बड़ा प्रॉफिट आ गया। इसमें एक चीज और है सर, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, कि जो ये कोविड के बाद में जो जैसे अपन ये कह रहे थे ना कभी एक एनवायरमेंट चेंज, लोगों का दिमाग चेंज हुआ है, आप ये चीज देखो सर हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ी भारी जबरदस्त उठाव आ रहा है। अब जब अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, मुझे पता है मेरा 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का कवर है उसमें गया हुआ है, और मुझे तो साल के उतने पैसे देने हैं, ठीक है ना, तो अब मैं क्यों जाऊंगा झोला छाप डॉक्टर के पास, मैं तो 40 तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस पड़ा है, दो हेल्थ इंश्योरेंस मेरा कंपनी से, मैंने खुद एक कर लिया, तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस जब पड़ा है मैं क्यों जाऊंगा दूसरी जगह पे, क्यों जाऊंगा। तो ये जो बड़ा बदलाव है ना, एक तो ये चीज लग रही है, दूसरी चीज सर कोविड के बाद अभी तक कोविड के चक्कर में ये जो कुछ ऑपरेशन रुके हुए थे जो इतने ज्यादा जरूरी नहीं थे, कभी ठीक है यार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना है करवा लेंगे, या तीन हॉस्पिटल का स्टॉक है मैं बोल देता हूं, एक तो अपोलो बहुत दिन पहले लिया फ्री स्टॉक पड़ा है, रिसेंटली 40s में एंट्री किया, और तीसरा है बहुत दिन से पकड़ के बैठा हूं वो है कोभाई मेडिकल। कोभाई मेडिकल इस मार्केट में भी बहुत स्ट्रांग है, सस्ता बहुत है सर, ये औरों से सस्ता है अगर वैसे देखा जाए इस मार्केट में। कैसे जिस दिन से करेक्शन चालू हुआ, पहले तक 20% का सर्किट मारा, जिस दिन पूरा लोग रो रहा था ऐसा करेक्शन हो रहा था उस दिन तो 20% का, तो मेरा पोर्टफोलियो पे डाउन नहीं जाने दिया उसने। नहीं, आप एक चीज देखो ना, इन सारों अगर ये जो ऊपर वाले 3-4-5 हॉस्पिटल है, अगर इनके आप चार्ट खोलो ना सर, सारे के सारे ऐसे शानदार चार्ट है। फोर्टिस का ये थोड़ा लगा लो, अभी वो उसमें क्या है थोड़ी FII वाली माल निकाल रहे हैं, थोड़ा FII माल अपना स्टेक कम कर रही है, ठीक है बाद में वापस ले लेगी। बाकी आप मैक्स का देख लो, ओवाई का देख लो और अपोलो का देख लो, तीनों के चार्ट इतने शानदार है, इस गिरते हुए बाजार में ऊपर जा रहे हैं। ये है फोर्टिस का, देखो एक बहुत ईयरली ब्रेकआउट दिया उसने, हाँ देखो इस जगह से आप अगर देखोगे एक ईयरली ब्रेकआउट दिया है। मेरे को अभी भी इसका थोड़ा सा डाउट, इसलिए इस जगह पे वो फेलियर हुआ था जो फेलियर नहीं होना चाहिए था चार्ट की हिसाब से, ये चार्ट इस जगह पे भी बहुत अच्छा था, एक ही रीजन हो सकता है उस जगह पे उतना वॉल्यूम नहीं था इसमें सर। क्या अभी मैं पीछे डाटा देख रहा था, ये जो पिछले क्वार्टर में FII ने 3-4% स्टेक घटाई है, तो ठीक है वो एब्जॉर्ब हो रहा है वो सेलिंग जो है, जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, देखो मार्केट में भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्ग है, गिर नहीं रहा सर, देखो मतलब बट भी नहीं रहा है तो फिर भी नहीं रहा है। और बाकी जो है जैसे मैक्स का आप देखोगे, अपोलो का देखोगे, वो तो सब सुपर डुपर चार्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा। दूसरी एक चीज और है सर, विदेशों के अंदर से अमेरिका में इलाज कराना बस की बात नहीं है हर आदमी के, हर आदमी क्या बहुत कम रियर केस में बस की बात है। अरे बात से नहीं, मैं आपको बोलता हूँ इसका, मेरा 2-4 क्लाइंट है जो दुबई से है, हाँ, तो उनमें से एक कैंसर पेशेंट भी है, कोलोन कैंसर है, तो लोग सब इंडिया में मतलब ट्रीटमेंट करने आता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते दुबई में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बोलता है मैं फ्लाइट पकड़ के इंडिया में जाके ट्रीटमेंट करा के आऊंगा हाई क्वालिटी का, तब भी मेरे को सस्ता पड़ता है। बस 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 मैं यही कहना चाहता हूँ, इसमें सब ब्रांडेड में आएंगे, इसमें कोई झोला छाप डॉक्टर के पास या नॉर्मल में नहीं आएंगे, चाहे अपोलो में जाओ, फोर्टिस में जाओ, कोवाई में जाओ या कहीं भी जाओ। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर जो है ना, अगर गिरावट के अंदर कहीं DII तो बढ़ाया जून क्वार्टर में, DII नहीं सर FII, 4% का स्टेक कम किया,
मैं वही कह रहा हूँ, ये सेलिंग जो जो अभी 3.5-4% की कम की है, इसका सर क्या है, मैनेजमेंट पूरा चेंज हुआ है एक्चुअली, नया मैनेजमेंट का थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, सुप्रीम कोर्ट का वो आना है थोड़ा, बाकी तो मोटा मोटी तो क्लियर हो गया सर, अगर क्लियर नहीं होता ना। देखो इसमें मैं इसलिए और भी ज्यादा है, देखो राकेश झुंझुनवाला ऐसा ही बैठे है, वो 4-4.5% का स्टेक लेके अभी बढ़ाए हैं सर लेटेस्ट इसने। एक चीज और देखो, पुरानी होल्डिंग देखो और अभी देखो, एक्चुअली बढ़ाया कब, बढ़ाया दिसंबर में बढ़ाया 2020 से, ठीक है ना सर, 2% तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, अगर एक दिन में लेने लग जाए तो 400 में नहीं मिलेगा। उनको क्या था पहले देखो कितना था, 2.65, ठीक है, अभी इस जगह पे दिख रहा है वो कम किया, एक्चुअली नहीं कम किया, वो बढ़ाया दूसरे नाम से उठाया। हाँ वो रेखा झुंझुनवाला या किसी में उसमें किया होगा, या अपनी कंपनी में किया होगा, झुंझुनवाला जो उसका बेटा है, हाँ उसमें किया होगा, ठीक है। देखो ये दोनों मिला के अभी उसका हो गया लगभग कितना है, वही कितना है, 3.98 है, हाँ वो, लेकिन फिर से मार्च क्वार्टर में 0.35 बढ़ाया है, ये दोनों मिला के इस जगह पे पूरा खाली कर दिया, अभी इस क्वार्टर में फिर से इसी में शिफ्ट किया उसका जो मेन पोर्टफोलियो है, बिल्कुल ठीक है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में भी इस क्वार्टर में बढ़ाया है, इसका जो है ना सर 40 में एक SRL जो इसकी डायग्नोस वो जो है ना वो भी सब काफी बड़ी, मतलब 3 टायर 2 टायर 3 सीटों में जाने लगी है वो, उसका अभी इतना नहीं है, पर अब अगर आप डॉक्टर लाल या थायरोकेयर या इनके देखो तो वो भी आगे भविष्य में उसका एक बड़ा, भी लिस्टेड है ना, लिस्टेड नहीं है सर वो तो दूसरा है, SRL लिस्टेड नहीं है इसका, वो 40 मल्लार लिस्टेड है, वो पता नहीं उसमें क्या है, 40 मल्लार तो हॉस्पिटल है वो, हाँ, का वो छोटा बड़ा है छोटा, हाँ बाकी वो SRL लिस्टेड नहीं है, वही बोल रहा हूं FLO के पास जो है, 40 के पास भी सब कुछ है, हाँ वो है, 40 का शायद हेल्थ इंश्योरेंस भी है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस शायद नहीं होगा, वो नहीं है, अपोलो का है वो, अपोलो और मैक्स दोनों के पास है, मैक्स के पास भी है, कहने का मतलब मैक्स का क्या डायग्नोस्टिक्स नहीं है, है सर अभी थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया उन्होंने अभी, देखो अगर वैसे हॉस्पिटल वाइज देखें तो अपोलो सबसे बड़ा है प्राइवेट में, उसके बाद फोर्टिस्ट है, मैक्स के पास 15 है, पर मैक्स के हॉस्पिटल सर 7-स्टार सुविधा दे रहे हैं और धीरे धीरे वो बढ़ा रहा है, और जस्ट कहेंगे वो पूरे ग्रुप से अलग हुआ है और पैसे हैं उस ग्रुप के पास और इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है। मैक्स का तो आप हेल्थ इंश्योरेंस में देखोगे, जब भी लेने जाओगे ना मैक्स छोड़ के बाकी कुछ चॉइसेबल नहीं आता है, पैसा भी कम है, फैसिलिटी भी ज्यादा है, सब कुछ है ये चीजें तो अच्छा, ये 3 अच्छा है, मतलब कोई लेकिन 40 का बैलेंस शीट अभी भी इम्प्रूव करने का जरूरत है, बहुत खराब है बैलेंस शीट। तो सर पुराना साला उसने कबाड़ा किया हुआ है ना सरदार जी ने, तो ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा लग रहा है ना सर, देखो इम्प्रूव हो रहा है, नहीं तो राकेश झुंझुनवाला कभी स्टेक नहीं लेता नहीं देता सर, ये देखो सर ऐसे ही ऐसा MCX में हुआ था, ठीक है ना, आपको तो याद होगा कोटक वाले ने वो उससे लिया था, तो क्या नाम उसका प्रमोटर का, MCX वाले का, और उस टाइम भी राकेश झुंझुनवाला ने 1% स्टेक लिया था, उनको इतना ही मिला था जो भी वो। सर जैसे कोवई मेडिकल है छोटा कंपनी, मतलब 5 हॉस्पिटल है, वैसे ही एक कावेरी हॉस्पिटल करके है इधर साउथ में, चल रहा है क्या इधर, साउंड आ रहा है वो, बट स्टिल इफ यू हैव इनेबल चैट बैकअप ऑप्शन देन स्टिल द चैट, किसी का मेरा तो नहीं चल रहा, हाँ तो सर मैं बोल रहा था जैसे आपका पता नहीं कौन है उनका चल रहा था, हाँ जैसे आपका कोवई मेडिकल है ना, जैसे 5 हॉस्पिटल का चेन है, वैसे एक और हॉस्पिटल है उसका नाम है कावेरी मेडिकल, KMC करके है, सेम आप देखिएगा चार्ट पैटर्न है, और वो लोग बैंगलोर में भी दो, मतलब एक हॉस्पिटल खोल चुके हैं और दूसरा भी खोल रहे हैं, और वो लोग ने अपना मेडिकल जो आप बोलते हैं ये हॉस्पिटल से मेडिसिन डिलीवरी भी करने लगे हैं, और जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है बड़े बड़े, हाँ हाँ KMC hospitals करके, अच्छा KMC sealed करके आता है, KMC उसका चार्ट भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन छोटा, मैं जनरली 50 रुपए का नीचे वाला स्टॉक में जाता नहीं हूँ,
मैं वो आपकी बात समझ गया, लेकिन सर उसका भी ग्रोथ स्टोरी सर वो टर्न अराउंड है, आप उसका लॉन्ग टर्म भी देखिएगा ना। तो सर टर्न अराउंड चार्ट है, मैंने देख लिया है, देखो मेरा पूरा ड्रॉ किया हुआ है। वही वही तो मैं एक्चुअली इसमें है, लेकिन ये क्या 37-38 रुपीस का स्टॉक मैंने जनरली लेता नहीं हूं। सही बात है, आपकी बात वो सही है, लेकिन ये भी टर्न अराउंड स्टोरी है सर। अगर वैसे देखा जाए आप इसका पूरा आप वो देख लीजिए, क्या कहता हूँ मतलब स्क्रीनर में इसका मतलब ईयर ऑन ईयर इसका नेट प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, घटा किसी भी साल नहीं, मैं सब किसी भी साल इसका, लेकिन सिर्फ छोटा स्टॉक है उसलिए मैंने एंट्री इसमें नहीं किया। सही बात, सही बात सर, एक बार आपकी बात सही है। वो पास का ना बहुत दर्द भरा बहुत सारी कहानी है छोटा स्टॉक। नहीं सर मेरा भी है 2017-18 में मेरा भी मतलब बहुत नुकसान हुआ है उसमें, ऐसा कंपनियों में कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते ही जा रहा है और अभी इन लोग ने नए हॉस्पिटल और खोल रहे हैं, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो ये नहीं खोल पाएंगे। अभी बैंगलोर में खोला है बहुत मतलब बड़ा हॉस्पिटल खोला अभी बैंगलोर में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अपना रिसेंट वहां पे गया था उस हॉस्पिटल, तो मतलब फैसिलिटी वो भी सब अपना मतलब बढ़िया से ही कर रहे हैं। नहीं सकते चार्ट के हिसाब से चार्ट तो बहुत ही अच्छा है। हाँ इसी मैं चार्ट को ही देख के ये जो है ये लाइफ का सबसे बड़ा वेब में है अभी। देखो इस जगह तक 20 साल तक कंसोलिडेट किया, क्यों नहीं हो रहा है ये, इस जगह से आप देखोगे 1994 से इधर तक कंसोलिडेट किया, ठीक है 5 रुपये से लेके 27 रुपये आया, 5 गुना हुआ, ये वेब 1 कंप्लीट हुआ मेरा। जी सर, ये वेब 2 एक बड़ा करेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके बाद इसको क्रॉस किया तो मतलब मेरा थर्ड वेब पे चल रहा है। थर्ड वेब पे कोई भी स्टॉक कहाँ पे जा सकता है कोई बोल नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी इस जगह पे देखेंगे, देखो ये ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, इस जगह पे आखिर भी बाउंस बैक कर रहे हैं, तो मैं एक केस कह सकता हूँ ये तोड़ेगा नहीं 30, जो ये जो लो है ये शायद नहीं तोड़ेगा 33, ठीक है। इस जगह पे देखो एक बार बाउंस बैक किया 2 कैंडल से, अभी ये लेवल को सेव कर रहे हैं, अच्छा बोला आपने, अगर इसको बारे में मेरे को पता नहीं था, छोटा स्टॉक में जनरली मैं डिग डाउन बहुत रेयरली करता हूँ सर, लेकिन बात यह है कि इसके अब 7 हॉस्पिटल्स हैं सर, मतलब तमिलनाडु और बैंगलोर और अब आंध्रा में भी ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अलग से ग्रोथ स्टोरी है सर। तो कोई भी देखो ना सही सर, ये अब नए नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बहुत सस्ता बैंगलोर में खोलना, बैंगलोर में खोलना सर आसान नहीं है क्योंकि जमीन इधर थोड़ा महंगा है ना, और उसपे जमीन पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना नहीं भरा उतना, और बैंगलोर में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है सर। आप बताइए कौन सा हॉस्पिटल बैंगलोर में नहीं है, कोलंबिया एशिया फोर्टिस अपोलो, मतलब फोर्टिस तो दो दो है, मणिपाल सब कुछ है, उसके बाद भी ये बंदा खोल के और उसमें भी ये प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब इसका मतलब है कि ये डेडिकेटेड है उस चीज के लिए। लास्ट 4 साल से रोज भी अच्छा है आरओसी। जी 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 मैं बहुत दिन से इसको सर फॉलो कर रहा हूँ, मैंने एंट्री लेके एक बार एग्जिट भी कर चुका हूँ सर, ये चीज बहुत कम मिलता है संदीप सर, इतना छोटा स्टॉक में 75% प्रमोटर होल्डिंग। जी सर, सर इसमें एक ही चीज है, एक्चुअली में कोई सेक्टर जब निकलता है ना तो जी सबसे जी। पहले उसके जो बड़े प्लेयर है ना वो बड़े प्लेयर पे ही दाव लगाना चाहिए। कल को अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, ये विदेशों से अगर कोई इलाज कराने वाले आएंगे ना सबसे ज्यादा पैसे वो देते हैं, अपने इंडिया वाले फिर क्या छोड़ इधर से ले लेते हैं 200 रुपए वाले वो कर लेते हैं। अभी के दिन में हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास है, तो छोटे हॉस्पिटल में अच्छा इनको एक्सपेंशन प्लान अगर मान लो पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस करने जाएंगे ना तो इनके इतने पैसे चाहिएंगे एक एक हॉस्पिटल में खरबों करोड़ों, मतलब ऐसे छोटा मोटा थोड़ी होता है कोई करोड़ 2 करोड़ में बन जाता है, नहीं बनता। तो
ये फिर क्या है, अब देखो भाव बढ़ने की अलग मैटर हो जाता है कि भाव बढ़ गए 25 रुपए का स्टॉक 100 रुपये हो गया, वो एक अलग मैटर हो जाता है। पर एक आप लंबे समय तक क्या भाई ठीक है, मैं तो अपोलो में बैठा हुआ हूँ, जब तक मुझे ये बढ़िया कोई ढंग का सिग्नल नहीं देखा निकलने का, मैं इसमें बैठा हूं, तो आपको रात को नींद ठीक से आएगी। अभी वो चीज है, अब भाव एक अलग मैटर हो गया। छोटा मोटा स्टॉप लेता हूँ ना, मेरे को रात का नींद नहीं आता है, अपोलो में आप निकल सकते हो, फोर्टिस में निकल सकते हो, इनमें कैसे निकलोगे? मैंने वही बोल रहा हूँ सर जी, सब में रात का नींद नहीं आता, कब उसका लोअर सर्किट मारेगा। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है सर, पहले मैं भी देखो जब इतना ज्यादा जानता नहीं था ना, तो मैं भी वो 10 रुपया 20 रुपया नॉर्मल बात है, सभी वही देखते हैं 50 रुपया 100 रुपया से ऊपर, और नहीं भाई ये तो भूत में है, ठीक है ना सर, माइंड सेट की बात होती है ये, जब अपन 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया वो बात नहीं है कि इनमें कोई मल्टीप्लिकेटर नहीं बनते हैं, बनते हैं, पर वो फिर वो उधर ही खोजने लग जाता है आदमी के यार यही देखो यही देखो यही देखो, लास्ट में क्या होता है वो पूंजी फंस जाती है इनमें, और वो फिर 4-4 साल तक 5-5 साल तक मतलब बेंगोली है, मेरा बीटेक का बैचमेट है, वो रिटायर में है, तो वो जिस लेवल का चार्ट एनालिसिस करते है ना भयंकर, मेरे से भी अच्छा चार्ट एनालिसिस करते है, ठीक है। और एक फ्रेंड है सुकेंद्र मल्लिक करके, वो बर्धमान में है, वर्धमान जो ग्रुप है उसमें लुधियाने में रहते हैं, तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस जबरदस्त है। तो हम लोग ऐसे ही बैठते हैं वीकली एक बार करके, तीनों और भी 2-3 है सब बैठते हैं, वो तो बैठते हैं। एक्चुअली उसमें क्या है, रीजन ये भी है, इस कॉलेज के ग्रुप पे बैठते हैं तो दूसरे बातचीत भी हो जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो लोग भी अभी वही है, छोटा स्टॉक के बाहर ही नहीं आ पाता है, छोटा स्टॉक का जो एक बार वो लग गया ना, जैसे उसके क्या होता है उनका पोर्टफोलियो सब छोटा स्टॉक में, मना करता हूँ इतना मत लो छोटा स्टॉक, बोला नहीं अभी तो मार्केट चल रहा है। अभी ये 3-4 दिनों में रोने का हालत हो गया सबका, छोटा स्टॉक इतना रुलाता है, वो तो करेक्शन में फटाफट गिरता है, 5-5 टका करके हर रोज माइनस हुआ लोगों का पोर्टफोलियो। सबसे बड़ी समस्या हो गई है 5 टका, चलो कोई बात नहीं हो जाए, आप अब बेचोगे कैसे उसको? अब आप मान लो, मुझे लगता है मान लो क्योंकि मार्केट का टॉप बन गया यहाँ, ठीक है, अब वहीं से मान लो 300 पॉइंट निफ्टी गिर गया, 300 पॉइंट अगर निफ्टी गैप डाउन होगा तो छोटे वाले 5% वाले तो वो 5 में हो जाएंगे, 10 वाले भी गैप हो जाएंगे, 20 वाले में थोड़ा मौका मिल सकता है कि 18 पे खुले या 15 पे खुले। अब मान लो मेरे पास वही है, अब मैं सोच रहा हूँ मुझे पता है यार टॉप तो बन गया मार्केट का और मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे करके बन गया, अब मैं उसको एग्जिट कैसे करूंगा सर? मौका ही नहीं मिलेगा 15 सर्किट 10 सर्किट 8 सर्किट तक, तो कुछ भी मार्केट हिलता है ना, पहले तो लोअर सर्किट लगता है या तो अपर सर्किट लगता है, ये समस्या होती है। अब ये इसमें शारदा मोटर में तो लिक्विडिटी छोटी सी इक्विटी है सर इसकी, तो ये तो चार्ट बहुत अच्छा है, नहीं फंडामेंटली जोरदार कंपनी है, पर चलता इस पर्सन पे वही है कि अभी नहीं चले तो 6 महीने नहीं चले, अभी क्या है फास्ट मौका मिलेगा तो मैं उसको निकालूंगा ही। मेरे को ऐसे स्टॉक में कंफर्टेबिलिटी नहीं है कितने भी अच्छा हो। इसमें एक ही चीज है सर, क्वांटिटी एकदम कम हो, और जब ये चलती है ना तो फिर सर रुकते नहीं है, इनमें एक चीज और है, नहीं चलते है तो फिर पड़े रहते हैं। स्टॉक तो बहुत जबरदस्त स्टॉक है। हाँ स्टॉक बहुत बिदुद कुछ तो बात है कंपनी में, जब इतना खराब मार्केट में भी सेल्स इतना डबल कर सकता है तो कंपनी में कुछ तो बात है, देखो कैसे बढ़ा है, 2019 से अभी तक डबल हो गया ईयरली सेल्स, 2008 से सबसे चैलेंजिंग टाइम पे सर। ये कोई भी कंपनी के लिए सबसे चैलेंजिंग टाइम ये था,
जो इतना चैलेंजिंग टाइम पे इतना अच्छा किया वो कंपनी कभी खराब नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं यही देख के लिया था लेकिन इसका लिक्विडिटी इतना कम है ना मेरा मतलब नहीं सर ये कंपनी बहुत बढ़िया है और ये ग्रुप भी ठीक है, इसमें बस वही है लिक्विडिटी कम होने से क्या है ये जब पड़े रहते हैं पर जब चलते हैं ना सर तो पूरा ब्याज सहित पैसे इतने निकाल देते हैं और सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही वैसे ही है टाइड वाटर भी इस तरह का आपको इतना मतलब वो करेगा ना। देखो सर एक चीज देखो आप जितने अगर आप पूरा अगर पूरा पुराना हिसाब किताब देखोगे ना छोटी इक्विटी मल्टीपल स्टॉक उसमें बहुत बनते हैं। हाँ वही है ना मैं उसमें इक्विटी छोटा ही देख लेता हूँ। मल्टीपल स्टॉक उसमें बड़े गजब के बनते हैं, बस आपको ट्रैक करना आना चाहिए थोड़ा सा मामूली फंडामेंटल और बाकी चार्ट तो है ही और बराबर उसमें मेहनत करता रहे जहां भी तब्दीली लगे वहां जो बेटिंग करने का मजा आता है उसमें। और हम लोग कितना मतलब स्टॉक जब 200 करोड़ 300 करोड़ का मार्केट कैप है उधर से उठाया अभी 1500-2000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया कितने सारे कंपनी है इस बार सर। अभी अपन तो जैसे अभी तो पूरा बुल फेस के अंदर जाएंगे ना सर ये इस बार बहुत दिखेगा छोटी जो स्मॉल कैप कंपनी है ना वो मिड कैप बहुत कंपनियां हो जाएगी और मिड कैप वाली लार्ज कैप होने वाली है। मैं वही सर बोल रहा हूँ हम लोगों को जबरदस्त प्लान बनाना पड़ेगा निफ्टी जो 14,000 से 35,000 तक जाएगा ना एक है बड़ा व्यू आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ छोटा मोटा अभी लॉस होगा उसका मत सोचो बड़ा व्यू के लिए पैसा इकट्ठा करो वो सबका लाइफ बदल देगा वो जो आएगा बदल सकते आपका लॉरस लेन सर मिड कैप से लार्ज कैप हो गया देख लो ऐसे और भी बहुत सारे होंगे सारे गमा भी हो गया ना स्मॉल कैप से मिड कैप हो गया सारे गमा हो गया तो मैं जब बोला था मैं कितना बुलिश था सर उसके ऊपर बोलो मैं सबके ऐसा एक मीटिंग में कितना उसके ऊपर बोला था लेकिन मेरे को बहुत डाउट है कितना लोगों ने लिया था सर सब उलझ जाते हैं इस मार्केट में उलझा देता है जी ये जो छोटे मोटे जो मतलब वो होते हैं ना प्रॉफिट लेना छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए काम करना 5-5 रुपए में निकल जाते हैं सर लगभग अरे वही होता है सर 20% के ऊपर तो कोई लोग मुश्किल से 20% देखे ना 3 दिन वो कंसोलिडेशन करेगा उसको तब दिखेगा दूसरा स्टॉक चल रहा है बस निकल जाते हैं मार्केट निकाल देता है और उनका खुद का माइंड सेट ऐसा ही है ना सर एक्चुअल में सर हम लोगों को भी होता है सबका ही होता है सर किसको कम किसको ज्यादा मैं इसलिए फ्री स्टॉक रखता हूँ फ्री स्टॉक में मेरे तो एक ही फंडा है कुछ भी मेरे पास कुछ नहीं है तो 10 लाख का फ्री स्टॉक है अब उसमें घर से तो जाने वाला है नहीं कुछ तो जाने वाला है नहीं यार फिर स्टॉक कुछ भी ऊपर नीचे जीरो थोड़ा ही हो जाएगा जीरो थोड़ी हो जाएगा उसमें एक चीज हो रहा है ना आप उसमें एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो कभी ठीक है कंपनी तो मुझे बढ़िया लग रही है काम भी ठीक कर रही है सारी कर रही है तो ठीक है छोटे स्टॉप लॉस की जगह यार बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और फिर देखेंगे कभी अगर उससे ऊपर ऊपर रहता है तो अपन होल्ड करने में दिक्कत बात सही है वही है सर स्मॉल कैप मिड कैप में ना नहीं तो आप काम नहीं कर सकते नहीं कर सकते वो इतना आपको मतलब हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर आएगा ऐसा आएगा मैं अच्छा है देखो अभी जैसे मैं रमा फॉस्फेट का आपको एग्जांपल देता हूँ रमा फॉस्फेट जिस दिन 20% लगा ठीक है उस टाइम मेरा फुल क्वांटिटी नहीं था मतलब उस टाइम कितना था मेरा दिया हुआ लेवल से वो 180% ऊपर था 160% शायद 184 में दिया था उस टाइम 400 के आसपास था मैंने भी लिया था तो मैंने क्या था 183.20 या तो 325 उस टाइम पे मैं निकल गया था मैं निकलने के बाद नेक्स्ट दिन 20% आप हुआ मेरा तो 50% ही क्वांटिटी था मैं खुश था ठीक है लेकिन नेक्स्ट दिन से मतलब नेक्स्ट दिन थोड़ा सा करेक्शन हुआ उसके बाद एक 210 का लोअर सर्किट भी लगा आप रह पाओगे उस टाइम पे और बस वो सही बात मेरा तो आराम से देखो मेरा 160% प्रॉफिट से 88% भी दिखाया कितना आदमी रह पाएगा इस टाइम पे 480 के आसपास से 350 भी दिखाया तो मैक्सिमम आदमी रह नहीं पाएगा स्मॉल कैप जिसको 200 करोड़ का मार्केट कैप था वो तो 500 करोड़ हुआ वो भी एक महीने में ठीक बात तो एक्चुअली सब में आपको फ्री स्टॉक ही रखना पड़ेगा मेरे को पता है हमारा बजट बहुत दूर जाने वाला है शायद
नहीं भी सर इसमें, या फिर अपना आप डिसिप्लिन इतने हो जाओ अपने सिस्टम पे जो भी आपने सिस्टम बनाया हुआ है, उतना डिसिप्लिन कोई नहीं हो पाएगा, होता नहीं है। समस्या ये हो जाती है कभी, या तो उतना डिसिप्लिन में रहो कभी, मैं तो अपना इस कहीं इससे बाहर निकलूंगा नहीं, यही मेरा सिस्टम है अभी भाई। दादा आपने जो बताया ना रामापोस्ट, मेरा सिस्टम है एक्चुअली, 350-400 के पास सर्किट देके एक बार गैप अप हुआ, फिर उस दिन लोअर सर्किट मारा था, उसके बाद से कंटिन्यू अभी भाई चल रहा है उसमें, लेकिन रिजल्ट तो काफी अच्छा दिया दादा अभी। किसने? रामा फास्फेट का। वो तो लेकिन कितना बड़ा वो तो देखो। हाँ वो उससे पहले अपना मूव तो अपना दे चुका है वो, देने में टाइम लगेगा, 6 महीना इधर तो कंसोलिडेट करेगा। जी जी दादा, फिर अभी करंट सिनेरियो में अपना जो अच्छा स्टॉक्स है, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम का डिस्कशन में कॉन्फिडेंस का बात किया था, टाटा कॉफी है, बाद में टाटा पावर है, फिनोलेक्स केबल है। टाटा पावर तो मैंने नेक्स्ट वीक की वीडियो दिया ना। आया आया, यस वही बोल रहा हूँ। अभी ये सिचुएशन में भी अभी उसको आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करना है या होल्ड करके रखेंगे करेक्शन के लिए? मैंने तो क्लियर कट बोला कौन सा जाएगा, बोला था सर 126 और 116 बोला था, 106 का स्टॉप लॉस बोला था, लेकिन आप अभी जो क्या बोल रहा हूं मैं सर, कॉन्फिडेंस मेरा जो है सब अपने सिखा है मेरे से। यस सर ठीक है, मैं बाहर का क्लाइंट तो लेता ही नहीं, मेरा स्टूडेंट का बाहर से। नहीं सर नहीं लगे, अभी फिर फिनोलेक्स केबल का आप देखिए ना सर, अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो अभी वही स्टेज पे है ना, तो अभी इन्वेस्टेड रहना है या उसको लोन में मिल सकता? कितना ऊपर गया फिनोलेक्स केबल तो, मतलब 10% भी ऊपर नहीं गया। नहीं गया, वही बोल रहा हूँ सर, तो वो 10% में थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं हम लोग, तो अभी उसको ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको करेक्शन के लिए वेट करना है। 0-0 है तो आपका प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस में तो अभी साइड में रहना अच्छा है। अच्छा वही मैं जानना चाहता था, करेक्ट सर, ये तो वही बोला तो क्लियर कट मेरा स्ट्रेटेजी बोल दिया। 0-0 बोलेगा तो उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, 4-5% का प्रॉफिट या लॉस में है वो आप साइड लाइन में बैठ सकते हो। अच्छा वो ओके ओके क्लियर सर, 0-0 ओके क्लियर सर, क्लियर क्लियर। विद्युत हेल्थ केयर स्पेस में एक स्टॉक है न्यूरेका करके, इट्स अ न्यू लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग स्टॉक में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि उसका चार्ट नहीं दिखता है, जब तक चार्ट नहीं दिखेगा ना मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। विद्युत एक बार स्क्रीनर में कैन यू सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक बार आप देखोगे तो रहा। क्या नाम है? न्यू न्यूरेका, NURECA। ये नीचे वाला ही है सर। हाँ यही, ये विद्युत बेसिकली ना ये डॉक्टर ट्रस्ट करके इनका एक ब्रांड है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। आप इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना विद्युत, क्या बात है, लास्ट ईयर जून से इतना जंप है। या मार्च में से 2019 में 1 crore का सेल्स था पूरा साल में, करेक्ट? नया इश्यू आया हुआ है बिल्कुल ही, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। आरओसी तो देखो, FII holding interesting है विद्युता, इसमें लगा and increase भी किया है FII में, 70% promoter, 12% FII and DII। अच्छा इधर पायल गोयल लिखा है, वैसे पीयूष गोयल कहाँ से आ गया? और बाकी अगर ऊपर जाएगा तो बाकी 50% हाई को क्रॉस करेगा तो ले सकते हैं।
कंपनी का तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है क्योंकि इतना दो साल में इतना ग्रोथ। और बिकॉज इंटरेस्टिंग है मतलब ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ना अपना प्रोडक्ट। संदीप सर क्या बोलते हो इसे, मेरे को इंटरेस्ट क्या देख ले, रोज आरओसी देख के लग रहा है जो कंपनी अपना कैपिटल का 70% आरओसी दे रहा है रूबी, एक साल में नहीं कंटिन्यूअस 3-4 साल का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सर इसमें भी वही है मेरी समझ में, इसकी इक्विटी छोटी सी है, मैं मेरी ये नजर में था पर ये अचानक से इतना तेज हो गया। ये दो आप इसका वो मंथली वीकली चार्ज जो क्योंकि ना ये 5-7 वीक में डबल हो गया, 10 वीक में हुआ होगा। 10 करोड़ का इक्विटी है, इतना छोटा भी नहीं है मतलब ठीक है छोटा में सर। पीछे तक आप ये देखो ना 90% तो उनके पास है FII और प्रमोटरों के पास, सिर्फ 8% ही लोगों के पास है, बार बहुत कम है। आप इसका वो देखोगे ना यहाँ से ये एकदम से सर्किट टू सर्किट जाके एकदम ऊपर गया और मौका नहीं दिया इसने ना 500 रुपया से एक महीने में इधर आया ना मेरे वो पूरा हुआ वहां पे नजर थी पर वो इतना ऊपर हो गया मैंने कहा जाने दे यार अब ये कौन विद्युत अभी इस लेवल पे अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है ना। आई मीन मैं वही बोल रहा हूँ 50% इस जगह पे ले सकते हैं और 50% इसको क्रॉस करेगा तो करने के बाद ले। नहीं मेरे को नया लिस्टेड स्टॉक में मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। जुबिलेंट इंग्रेविया या या फैंटास्टिक। मैंने तो फुल क्वांटिटी अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, मेरे ग्रुप पे भी कितने बार बोला है ये मल्टीबैगर स्टडी है। This is a new listing में happiest mind also अच्छा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया है। ये है जुबिलेंट इंडिया। अरे ये कौन सा जुबिलेंट इंडस्ट्री आ गया। ये आप देखो कि ये करेक्शन में भी कितना स्ट्रॉन्ग है, करेक्शन में भी जो इतना स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी लेके और क्या बात करे। केमिकल फील्ड में मेरे हिसाब से ये नया दीपक नाइट्रेट या तो आपको जो और एक स्टॉक हम लोगों को बहुत वो दिया एल्काइन एमिन, ये नया वो बन सकता है इसमें। दिस इज अ न्यू लिस्टिंग में लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी अच्छा लग रहा है क्या। केमिकल इंडस्ट्री में आप देखोगे ना 3-4 वो होता है, कोई कोई तो बनाता है बेसिक रॉ मटेरियल, कोई कोई उसके पास बल्क में जाता है, कोई कोई स्पेशलिटी में जाता है, तो इसके पास सारे के सारे है बेसिक, तो वर्टिकल सेटअप हो गया और इसका हर स्टेज के लिए इसके पास कस्टमर है। ठीक है तो मतलब ये क्या करते हैं जैसे अपना तो वर्टिकल सेटअप लगा लिया लेकिन पूरा इसके लिए जो बिका तो अच्छा है नहीं तो इसका नेक्स्ट सेटअप के लिए काम में आ जाता है। जुबिलेंट इनके भी है, मेरे को चार्ट के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है, हम लोग इस स्टेज पे उठाया, मैंने जो फास्ट दिया था इस स्टेज पे दिया था, ये जो ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा था इस स्टेज में, अभी फिर से इस दिन बोला ये ब्रेकआउट दिया तो फिर से ले सकते हो, तो इस स्टेज में फिर से दिया मैंने, तो जुबिलेंट इनके में तो मैं पूरा ये स्टॉक में मैंने 100% ही होल्ड कर रहा हूँ, तो ये अच्छा लग रहा है मेरे को, खराब नहीं है। ये बड़ा मल्टीबैगर स्टोरी है सर, ये राकेश जुनिया रिसेंटली इस क्वार्टर में बढ़ाया, बड़ी मल्टीबैगर स्टोरी है ये, होल्ड करके बैठेगा ना। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी अच्छा है, सेम फील्ड पे ही है लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के पास बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट है और इसका कुछ प्रोडक्ट ये है जैसे पीरिडिन करके क्या होता है पीरिडिन, ठीक है वो बेंजीन केमिस्ट्री में पीरिडिन क्या होता है आपका, पीरिडिन दूसरा कोई कंपनी बनाने जाएगा ना उसका तो 5-6 साल लग जाता है अप्रूवल लेने में, इतने सारे अप्रूवल लेना पड़ता है। इसका एंड प्रोडक्ट में पीरिडिन है, अभी वो बल्क इंडस्ट्री में बल्क केमिकल में पीरिडिन का यूज है, तो जिस मतलब फील्ड में से जो 5 साल कोई नया कंपनी भी आए तो उसको 5-6 साल लग जाएगा उसका
अप्रूवल सब लेने के लिए, मतलब वो पॉल्यूशन वगैरह ये सब के लिए। तो आप सोच सकते हो नया कंपनी का एंट्री बैरियर कितना है इस फील्ड में। तो ये कंपनी तो मेरा हिसाब से मल्टीवेगर बनेगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कनेक्शन आए तो आए, उसमें पकड़ के रहना पड़ेगा इसमें। तो इसका तो स्टोरी बहुत जबरदस्त बड़ा बनने वाला है। तो ठीक है, अभी तो हम लोग डिस्कस कर लिया, अभी इसमें मतलब क्या हम लोगों का एक्शन प्लान है। तो मेरे हिसाब से अभी 35 मतलब देखो अभी आप लोग एकदम टॉप पे 30-35% निकल नहीं पाया तो ठीक है, अभी क्या करें, अभी थोड़ा बाउंस तो दिया है। देखो जितना करेक्शन हुआ था उसका 50% बाउंस तो दे दिया। आप लोग जो 00 पे है उसको मैं बोलूंगा थोड़ा निकाल के, क्योंकि स्टॉक तो कोई भी स्टॉक में हम लोग कमा सकते हैं, और जो बहुत बड़ा प्रॉफिट में है उसको भी प्रॉफिट शेयर छोड़ के रखते हैं। जो 20-25 टका में है, 15-20 टका में है उसको होल्ड करो। जैसे जुबिलेंट इनके भी है, हम लोग ऑलरेडी 15% प्रॉफिट में है शायद। तो ये मेरा एकदम क्लियर कट लाइन ऑफ एक्शन है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आप लोगों को भी मैंने उस टाइम बताया था, लेकिन लोगों ने फिर से घुस गया जैसे निफ्टी ब्रेकआउट दिया। तो ठीक है, मतलब अभी जनरली क्या होता है, कोई इंडेक्स अगर चलता है ना, निफ्टी जब चलता है स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चलता है, क्या होता है फंड तो सब सेम ही है, फंड का तब नजर निफ्टी की तरफ ही रहता है, इंडेक्स स्टॉक की तरफ रहता है। तो ये देखोगे आपका क्या हो रहा है, जो अभी करेक्शन हो रहा है ना, करेक्शन में वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं है मतलब क्या है, करेक्शन में वॉल्यूम नहीं है मतलब हम लोग रिटेलर लोग तो बेच रहे हैं पैनिक में, लेकिन वो खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि फंड का नजर तो अभी बड़ा स्टॉक में है, क्योंकि निफ्टी चल रहा है, निफ्टी 50 पे उसका वो है। निफ्टी जब देखना कब चला ये मार्केट, तब चला जब निफ्टी कंसोलिडेशन टू करेक्शन कर रहा था। तो ये भी निफ्टी का लास्ट स्टेज, अभी मेरे हिसाब से निफ्टी का लास्ट लेग है, बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करना इस लेग में, क्योंकि जब निफ्टी 18,000 उस टाइम पे देखना, जब निफ्टी शायद 18,000 मेरे को लगता है 18,000 से 19,000 के बीच में से एक बड़ा करेक्शन होगा, तो उस स्टेज में ऐसा लगेगा जो मार्केट तो इतना कभी चला ही नहीं है, पोर्टफोलियो वगैरह इतना चलेगा, लेकिन उस स्टेज में थोड़ा सावधानी रहना है। तो क्योंकि हम लोग उसके बाद बहुत बड़ा मूव एक वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे तो अभी क्या कर रहे हो, अभी बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं उस स्टेज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जॉब छोड़ के नहीं निकला अभी, जो बोल रहा था जैसे अक्टूबर में मेरा चला जाने का प्लान था, लेकिन थोड़ा मार्च तक एक्सटेंड किया, तो इसलिए क्योंकि पहले तो बात है मेरे को बहुत बड़ा प्रमोशन मिला एक, ठीक है, सैलरी ऑलमोस्ट बहुत ही हाइक मिला, तो मतलब दूसरा कोई मतलब 40-50% ऑलमोस्ट, तो वो तो गया एक चीज। तो जो है मेनली वो क्या होता है, मेरा तो इधर से जो आता है उससे मेरा घर चल जाता है, वो मेरा पूरा ही सेविंग्स होता है। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए और कुछ नहीं है तो मेरे को उस स्टेज में मेरे को कमाना है तो उसके लिए जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करके लगा सकता हूँ, मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। जो अभी निफ्टी का इतना बड़ा मूव हुआ मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, जो बाद में आएगा, तो हम लोगों को कमाना है उस स्टेज में, तो वही पकड़ के चलना है। अभी छोटा मोटा करेक्शन रहेगा तो उसमें उतना घबराने का कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। शायद मैं आप अगर पूछोगे मैं ऑलमोस्ट मेरे को 80% तो लग रहा है शायद 9,200 जाएगा, अभी बाकी 20% तो ऊपर आ ही सकते, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स इतना बड़ा मूव में कभी लोअर लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया, तो लास्ट लो को ब्रेक किया और उसको जब बाउंस बैक भी दिया ना उस टाइम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लास्ट लो को टच करके फिर से रेड कैंडल दिया। इस दिन निफ्टी इतना ऊपर होने के बाद भी स्मॉल कैप 0.5 तो करेक्शन दे दिया, 0.5% प्लस से, जिस जगह पे मैंने बोल दिया था ग्रुप पे ऑलरेडी लाइट रहो, जिसकी लाइट मैं ग्रुप पे ऑलरेडी डाल चुका था, डाला है तब 0.5 ऊपर था, उसके बाद लगभग 1% का करेक्शन भी हो गया स्मॉल कैप इंडेक्स में तो मतलब अभी ये सावधान थोड़ा रहना है, ठीक है। तो इस जगह पे थोड़ा सावधानी से अभी पैसा बचाओ, ये सब कैपिटल बचाना सबसे बड़ा
वो है कैपिटल इकट्ठा करो और वो टाइम के लिए पैसा इकट्ठा करो सबका, मेरा जो वो है मैं खुद कर रहा हूँ। ओके सर। तो वही हम लोगों को मेन वो चल के उस मतलब वो अगर एक बार मिस हो जाएगा ना फिर से उसे मुंह आने में 15-20 साल लगेगा, 10-12 साल तो मिनिमम लगेगा। क्या बोलते हो संदीप सर? ये सर ये मौके जो है ना ये बहुत कम आते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ 15-20 साल बाद आएगा फिर से और एक मौका, ये मौका भुनाना है और इस मौके में मौके को जिसने भुना लिया लाइफ बन जाएगी। आप अभी कह रहे हो ना कि लाइफ बनानी है, तो अब जिस उम्र में अपने हैं ये लास्ट मौका आएगा, उसके बाद तो ठीक है 12 साल बाद में, जैसे मेरी अभी उम्र है 46, 10 साल बाद में हो जाएंगे 58-55, तो वो बाद में कोई काम तो आने नहीं है। मेरे को भी इसमें लाइफ बनाना है मेरे को तो। बस बात ही डटे रहो। जो है मैं ग्रुप पे भी दिया था आपको, जो संदीप सर बार बार बोलते पीई का चार्ट, निफ्टी का अर्निंग का चार्ट है, तो अर्निंग देखोगे कैसे बढ़ रहा है और पी कैसे कम हो रहा है, निफ्टी इतना ऊपर है तब भी। इसका एक दूसरा इसमें ट्विस्ट है, क्यों इतना बड़ा है पता है संदीप सर क्या ट्विस्ट है इसमें? आप बताओ सर। इसमें ट्विस्ट है, पहले स्टैंड एलोन बेस पे देखता था, अच्छा अभी जो अप्रैल से हुआ वो आपका कंसोलिडेशन कंसोलिडेटेड बेस पे दिख रहा है। तो उसमें क्या हुआ देखो, इस जगह पे आप देखो, इस जगह से आप अगर देखोगे ये है मार्च का लास्ट में 26 मार्च और ये अप्रैल का फर्स्ट अप्रैल है, कितना गिरा, ये एक्चुअली वो रीजन है, ये स्टैंड अलोन से एक्चुअली देख रहा तो चाहिए कंसोलिडेटेड बेस पे ही। अभी उसमें क्या फायदा हुआ, निफ्टी 12% सस्ता हो गया, लेकिन मैं वो भी छोड़ देता हूँ। चलो पहले ये जगह पे जो डेटा है ना ये आपका स्टैंड अलोन बेस पे है, जैसे सबसे हाई दिया था हमारा साथ जनवरी में दिया था निफ्टी, तो जनवरी में जो हाई दिया था इस जगह पे आपका जो मैंने हिसाब लगाया ये 452 दिख रहा है, ठीक है अर्निंग्स का। तो आप अगर इस जगह पे देखोगे पी जो सस्ता हुआ ना ऑलमोस्ट 12 टका सस्ता हुआ, तो इस जगह पे भी मैंने पी अगर 12 टका सस्ता करके 12% में डिक्रीज करके अगर निफ्टी का 12,400 में डिवाइड करूंगा उस टाइम मेरा अर्निंग था 490 उस टाइम के हिसाब से, तो 490 भी मैं पकड़ू तब भी अभी अर्निंग कितना है 623। तो अभी तो बात ये है डोमेस्टिक मार्केट में अभी तो बिजनेस खोला नहीं है तब भी अर्निंग इतना बढ़ गया, तो डोमेस्टिक मार्केट जब फुल प्लेस में खुलेगा तब अर्निंग का हालत क्या हो सकता है। समझे ना, ये है मेन चीज है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इतना जाग दिख रहा है वो कंसोलिडेशन स्टैंड अलोन का उसके वजह से, लेकिन तब भी आप देखो 25 टका तो ऊपर है और निफ्टी भी इसके साथ साथ ही चल रहा है, निफ्टी भी वो 30 टका ऊपर है उससे, ये भी 27-28 टका ऊपर है। लेकिन मेन वो खुलेगा जब डोमेस्टिक मार्केट खुलेगा। दूसरी बात है अभी फार्मर का इनकम के लिए बहुत सारे चीज कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत बड़ा स्टोरी बनने वाला है। तो डोमेस्टिक मार्केट से जब इनकम अर्निंग आना चालू हो जाएगा, ये क्या है अभी वो चाइना का डिसेंट्रलाइज करने के लिए एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया, ये सब चीज के लिए सारे कंपनी का अर्निंग्स बढ़ा है। सोचो इतना खराब टाइम पे बिजनेस तो अभी भी पूरा ओपन अप है नहीं, इतना खराब टाइम पे चैलेंजिंग सिचुएशन गया सेकेंड वेव का, उसके बाद भी अर्निंग इतना बढ़ा, तो मार्केट जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो अर्निंग कहा जा सकता है। तो ये चीज है अभी, मतलब ये सभी चीज हम लोगों को मतलब वो रख के चलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे हम लोग। अब लोग मतलब इतना पैनिक होने का कोई नहीं है, जैसे जिस दिन करेक्शन होता है ना मेरे पास तो कम से कम 20-30 फोन आता है कि क्या करना है क्या करना है। पर्सनली मैसेज तो कितना होता है आप छोड़ ही दो, तो व्हाट्सएप तो भर जाता है मेरा
जैसा निकल जाओ निकल जाओ। अरे भाई तुमको ऐसा क्यों एंट्री किया जो ऐसा इतना टेंशन हो रहा होने वाला है, पहले से प्लान करो ना। लोग क्या करते हैं, मैंने बोलता हूँ आपको अगर कमाना है, देखो मैं 10-20 स्टॉक दे रहा हूँ, उसमें से 20 नहीं चलेगा, उसमें से 10 ही चलेगा, 10 तो उसमें 5 स्टॉप लॉस ही होगा, 5 कंसोलिडेशन करेगा। अभी लोग क्या करते हैं, मैं 20 देता हूँ तो उसमें से 2 ही एंट्री करते हैं। प्रॉब्लम ये है सर, वो अगर 20 का 20 स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इतना टेंशन का बात कभी नहीं आएगा। लोगों को तो अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना नहीं है, लोगों को ये है जो मैंने दिया तो मतलब ये चलेगा, चलो एक स्टॉक में पूरा डाल दो। अभी कोई कोई अभी स्क्रीनशॉट भी देते हैं, एक स्टॉक में कमा लिया ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करते हैं, सर बहुत अच्छा दिया। मैंने तो झाड़ देता हूँ उनको, एक स्टॉक में लगाया तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर मत करो ना, आपने मतलब आज नहीं तो कल फंसने वाला ही हो आप। एक दो स्टॉक में लगा रहे हो तो आज नहीं तो कल फंसने वाला ही है वो दुनिया का सबसे अच्छा एनालिस्ट आके भी आपको स्टॉक दे तो आप फंसने वाला ही हो। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी मालूम है, मेरा ऑफिस में कॉलिग बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं जे दो स्टॉक बताओ हम लोगों को भी कमाना है। तो इतना आसान है, मैं इसे 8 साल तक घिस रहा हूँ, इतना अगर आसान है तो मैं 2 स्टॉक चलते चलते बोल दिया और उसमें आप कमा लिया तो मतलब इतना आसान है मार्केट। मैं उसमें नहीं लगा दो 20-30 लाख एक स्टॉक में, अगर वो उतना आसान और मैं उतना कॉन्फिडेंस हो तो नहीं होता है उसमें। आप कितने भी एनालिसिस कर लो, आपको 5 स्टॉक तो 5-10 स्टॉक स्टॉप लॉस हिट होने वाला ही है, और स्टॉप लॉस हिट होना अच्छा है, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है मेरे लिए। मैं जब क्या होता है कोई एक स्टॉक का देखो मेरा अगर 50% भी स्ट्राइक रेट है तो मैंने एक बार गलती कर चुका तो दूसरे बार नहीं करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब दूसरे बार उसकी जगह पे जो ऐड होगा वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही होगा। तो धीरे-धीरे ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। एक टाइम आएगा 6 महीने बाद जब मेरा पोर्टफोलियो में 20 का 20 स्टॉक ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वो प्रोसेस होता है। इसलिए कोई भी आप बोलते हो ना सब मेरे का ग्रुप पे हाँ मैं तो पूरा निकल गया, अरे भाई आप कितना रुपया का पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो, पूरा निकलना इतना आसान है एक अच्छा पोर्टफोलियो से? या तो आपके पास पोर्टफोलियो है ही नहीं आप अगर पूरा निकल रहे हो, या तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जीरो है, आपसे भी बुल मार्केट मार्केट थोड़ा सा चल रहा है तब ही कमा सकते हो, नहीं तो नहीं कमा सकते हो आप मार्केट से। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना अच्छा है, मैं तो 10% देके निकल जाता हूँ ठीक है, मेरा एक वीक स्टॉक चला गया उसके बदले में मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक ऐड होगा मेरा पोर्टफोलियो में। ये एक प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन होता है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने में 6 महीना लग जाता है, एक दिन में पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होता है। इतना आसान होता तो मार्केट से सब कमा लेता था ठीक है। तो बात वो है, जो मार्केट अगर इतना आसान होता तो सब तो झुंझुनू वाला बन जाता था। मार्केट तो सबके लिए सेम ही है ना। विदुत एकदम सही बोला आपने, जो जो स्टॉक ना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना विदुत, वो उतना ज्यादा करेक्ट भी नहीं करता है। दीपक नाइट्राइट बालाजी अमाइन इतना बढ़ गया ये सारा स्टॉक, बट ऊपर के लेवल से उतना करेक्शन भी नहीं आया है। कोई भी स्टॉक देता हूँ ना उसके पहले मैंने तो खुद पहले 2 महीना उसको देखता हूँ उसका स्ट्रेंथ कितना है, भले मेरे को 10-20 रुपया और भी ऊपर लेना पड़े उस स्टॉक। सारे गावा भी नीचे नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टॉक को बहुत दिन से वो स्टडी चलता है मेरा, ये कितना स्ट्रेंथ है नहीं है। सुविधा ऑयल जैसे मैंने कुछ दिन पहले फिर से ऐड किया, मैंने तो 1100 रुपया से दिया हुआ है, लेकिन मैंने देखा कितना स्ट्रेंथली वो चल रहा है। देखो तो इस मार्केट में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है वो। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में इतना आसानी से आता नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक का जो पोर्टफोलियो बन जाता है ना इतना आसानी से उसको जाने भी नहीं देना है। जब मैंने दिया था वो बहुत सारे लोग होता है ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, मेरे को बोला था इसका तो इतना ज्यादा प्लेट शेयर है क्यों दिया, फंडामेंटल तो बहुत बेकार है।
तो 3 महीने में उसका जवाब मिल गया था। 3 महीने में उन्होंने 80% प्लेट्स या जो था उसका 80% मोटर होल्डिंग प्लेट्स था सारे के सारे छुड़ा लिया था। छुड़ा लिया है राइट राइट। और रिजल्ट जो आया कोई सोच नहीं सकता था, प्रॉफिट 10 गुना, सेल्स डबल ट्रिपल हो गया, ऐसा ऐसा रिजल्ट आया एलोरा स्लैब का। तो विद्युत एक और चीज मैंने देखा, रियली कोई स्टॉक में इतना ग्रोथ स्टोरी देखा एलोरा स्लैब जैसे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं और विद्युत मैं डीवीज लैब देख रहा था विद्युत, 15 इयर्स में ना अगर आप उसका बोनस और स्प्लिट शेयर्स अब हटा दो, बात सब बोनस 15 साल कौन पकड़ के बैठे, इधर एक भी बंदा है 15 साल पकड़ के बैठे हैं। नहीं विद्युत डीवीज का आज का प्राइस इज मोर देन 1 लाख रुपीज अगर हम प्री स्प्लिट और प्री बोनस देखें। जितना स्प्लिट हुआ उतना कोई नहीं हुआ, और उसका कहानी ये है हर बार जो स्प्लिट होता है ना आगे का पैसा में आ ही जाता है। Exactly. तो बिजनेस का लॉरस कैन बिकम द नेक्स्ट डीवीस। एक साल में पहले वाला रेट पे आ गया डीवीस। एब्सोल्युटली। तो लॉरस अगर डीवीस का हाफ भी बन जाता है बिजनेस, तो लॉरस तो उतना जा सकता है ना, मतलब रनवे उतना बड़ा है। उतना पता नहीं, मैं फ्री स्टॉक होल्ड करके बैठा हूँ, बस वो जहाँ जाएगा जाएगा। नहीं अच्छा बिजनेस मिलना मुश्किल है विदुदा, एकदम सही बोला आपने, अगर मिल जाता है तो उसको होल्ड करना भी इम्पोर्टेंट है। बात वो नहीं है, बात ऐसा है ना वही स्टॉप लॉस की वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो चाहे स्टॉक में लूज करना भी अच्छा है, तो ये होता है पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस है। मेरे को तो मतलब पहले बहुत लगता था, लेकिन अभी लगता है ठीक है चलो स्टॉप लॉस हिट किया तो हुआ, ये मेरा पोर्टफोलियो रिबिल्ड होता है ठीक है। तो मैंने जैसे लास्ट क्वार्टर में मैंने दिखाया था पोर्टफोलियो 27 लाख का मेरा प्रॉफिट है, ऑब्वियसली अभी देखेंगे तो 27 लाख नहीं है, 2-3 लाख तो लॉस तो हुआ, उसके बाद कम तो हुआ पोर्टफोलियो, अभी मैं देखने जाऊंगा 24-25 लाख, उसके बाद ऑब्वियसली 30 हो गया था ठीक है, जुलाई में जो चला 30 हो गया था, लेकिन 30 से अभी मेरा प्रॉफिट 25-26 होगा, 3-4 लाख तो मेरा भी नीचे आया है, भले ही मैं कितने भी मतलब 30% कैश लेके बैठा हूँ कुछ भी है। मार्केट जब करेक्शन होता है किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन इस टाइम देखता है कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। पोर्टफोलियो आपको हर करेक्शन में रिसअपेल नहीं होगा तो आपको आगे नहीं जा सकता है, हर करेक्शन में रिसअपेल करना ही पड़ेगा आपको पोर्टफोलियो। इन दैट केस स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ऐड करना एक अच्छा स्ट्रेटजी होगा क्या? हाँ वो अगर हमारा चेकलिस्ट फुलफिल कर रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं, बिना चेकलिस्ट तो आप लोगों को दिया हुआ है, चेकलिस्ट के बिना मैं नहीं लेता हूँ, कितने भी अच्छा है कितने भी वो है, जैसे जुबिलेंट इंडिया दिया ना बॉटम पे था फिर से दिया फिर से ब्रेकआउट दिया, मेरा चेकलिस्ट फुलफिल हो रहा है तो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क फेवरेबल है। करेक्ट करेक्ट। मेरा जब रिस्क फेवरेबल नहीं होगा मैं नहीं एंट्री करूंगा उसमें। मैंने भी ये 2 स्टेज में एंट्री उसको ऐड किया, पहले वही 596 में ऐड किया, अभी फिर से 680 में लिया मैंने ठीक है। मार्केट खराब है उसमें क्या है, ये स्टॉक्स अगर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो ये जब मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगा तब क्या हो सकते हैं आप सोचो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये स्टेज में करेक्शन अच्छा होता है, इस स्टेज करेक्शन में हम लोगों को पता चलता है कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है ठीक है। तो अभी मतलब वो करते मतलब टेंशन का कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो होगा, उसमें क्या है उसमें पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता है। Right. और हर करेक्शन के बाद मैंने देखा मार्केट और भी ज्यादा स्ट्रेंथ से निकलता है ठीक है, तो उतना वो करने का कोई जरूरत नहीं है।